रुको, स्कूल छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हो? आप ही ने तो बोला था फादर्स डे पे डैडी को सरप्राइज देना चाहिए। अच्छा, तुम्हारे पापा को अच्छा लगेगा तुम स्कूल से छुट्टी मारो? नहीं नहीं मैम, उन्हें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ बहुत सारा समय बिताता हूँ। बाय मैम। ये एक बहुत ही सीधा किस्सा है, ऐसा किस्सा जो आपके हमारे हर किसी की जिंदगी में होता ही है। इन चीजों से गुजर के ही हमारी पूरी जिंदगी बनती है। ये ऐसी कहानी है जो कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये कहानी हमारी तवज्जो चाहता है। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो ये हमारे नकाबों को हटाती है। हर घर की यही कहानी है, हर रोज खुशियां ढूंढने की कहानी है। छोटे मियां, मैं तुम्हें पहले से देख रहा हूं। सेम एक्सप्रेशन, सेम पोज, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त सेम बॉडी लैंग्वेज। हवाई जहाज में हर कोई घोड़े बेचकर सो रहा था और तुम गहरी सोच में डूबे थे। मैं इसकी वजह जानना चाहता था ताकि घर जाके मैं आराम से सो सकूं, पर फिर सोचा कहीं चिल्लाकर तुम मुझे शर्मिंदा ना कर दो। ठीक है, अब बताओ इतने परेशान क्यों हो? देखकर मुझे परेशानी हो रही है। बता भी दें तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि तुम भी वही हो जिससे मैं परेशान हूँ। चिपकू किस्म के बाप। चिपकू किस्म के बाप? बाप चिपकू किस्म के? हेलो छोटे मियां, या तो मुझसे कोई खता हो गई है या तुम दुनिया भर के बापों से ही खफा हो। लेकिन एक बात अब मेरे दिमाग में आई है, और वो ये कि तुम्हारे डिप्रेशन की वजह तुम्हारे डैड हैं, और ये तुम्हारे चेहरे का जो रंग उड़ा है ना, उसकी वजह भी वही है। अब समझ गया, तुम्हारी अपने बाप से नहीं बनती। बनती नहीं होती तो अलग बात होती, कुछ ज्यादा ही बनती है हमारी। ए, डैडी को कितना प्यार करता है? इतना। ए, ये तो बहुत कम है। इतना ज्यादा। ये मेरा बच्चा। सुनिए जी, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो या डैडी से। आप सिर्फ डैडी के बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? ये चॉइस तो मैं इसे दूंगा ही नहीं, बस ये मुझे प्यार करेगा और मैं इसे प्यार करूंगा, है ना बेटे? सही कहा ना? हाँ। बाप की ऐसी बापता दिखाई कि माँ की ममता से भी दूर कर दिया। जब तुम छोटे थे तब उन्होंने ऐसा किया, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या हो रहा है बॉयज? कुछ नहीं अंकल, हफ्ते भर की ट्रिप बनाई है, साई का इंतजार कर रहे हैं। भाई मतलब मेरा बेटा एक हफ्ता मुझसे दूर रहेगा? क्या हुआ अंकल, कोई प्रॉब्लम हो गई? कल तो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था और आज तुम्हारे साथ ट्रिप पे जाने की सोच रहा है। बुराई? हाँ, कह रहा था कि तुम सब मतलब ही हो, किसी काम के नहीं हो। तू बेवकूफ है, तू इडियट है, और भी न जाने क्या क्या बोल रहा था। ये अब तब इस्तेमाल करना जब हम यहाँ ना हो। ओके दोस्तों, गायब हो जाओ। मेरे दोस्त कहाँ गए? एक हफ्ते के लिए यात्रा पे चले गए। माना उन्होंने तुमसे तुम्हारे दोस्तों को अलग किया, पर तुम्हारी ऑफिस के कलीग्स तो साथ ही होंगे ना? कंपनी भी तो खानदानी है, आईएएस सॉल्यूशन। ऐसा क्या, कलेक्टर्स तैयार करते हो क्या? मेरे नाम को उल्टा कर दिया, साय का आईएएस। कंपनी की हर चीज पे मेरी मोहर है, तो कलीग्स तो दूरी भागेंगे ना। फिर से टपक पड़े। जाना साथ में, खाना पीना साथ में, कमाई खर्चा साथ में, और थकते भी साथ, एक लम्हे की आजादी में। माय गॉड, हम तो आराम भी एक साथ करते हैं बेटा, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो ये गलत कर रहे हैं, उनसे कहते क्यों नहीं? अब उन्हें कैसे समझाऊं कि उनका प्यार मेरे लिए जंजीर बन गया। एक दिन
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, लग गई क्या? ये सब इसकी वजह से हुआ, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, आज तो थाल डालूंगा। बेटा नाक पे काउटी लगानी चाहिए थी ना। उनकी जान हमेशा बेटे में ही अटकी रहती है, इसलिए अपनी जान जलाते रहता हूँ। मुझे लगता है यूएस से इंडिया तक तुमने उन्हें अच्छे से इग्नोर किया है, तो फिर गम में क्यों डूबे हो? इस गम के पीछे मेरे डैडी नहीं, उनके डैडी हैं। दादाजी खुद तो एक नंबर बाप बन गए, लेकिन अपने बाप को उतना प्यार और इज्जत कभी नहीं दी। उसी कमी को पूरा करने के लिए राजमुंद्री जा रहा हूँ। ओह अच्छा, तुम्हारे दादा ने ऐसा क्या किया जो दादाजी आगे नहीं, यहाँ पर है। बता है, चलो आइए। रघु रमैया जी, आप इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? तुम्हारे लड़के तो है नहीं यहाँ, और जो है वो आने से रहे, सब अपने काम में मगन है। तो हम कभी कभार आपस में मेल मुलाकात कर लें तो यूं महसूस होगा कि अपना ख्याल रखने वाला कोई तो है। जैसे आप तो एकदम तंदुरुस्त है ना, आप यहाँ पेशेंट को दिलासा देने आए हैं। आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। शांति रख, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो इत्तला कर देना। जी अवश्य बताऊं। नमस्कार, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अरे आइए आइए रघुरमैया, आपके बेटे और उनके बच्चे तो ठीक है ना? सब बिल्कुल ठीक है। मेरी रिपोर्ट क्या कहती है? मेरा साला दरअसल आपके तीसरे बेटे से कुकटपल्ली में मिला था, उसका केटरिंग का कारोबार अच्छा चल रहा है। अरे रघुरमैया जी बैठिए। तो आप मेरी रिपोर्ट के बारे में बताना टाल रहे हैं तो यहाँ बैठकर क्या करूं? दरअसल मैं समझ नहीं पा रहा था कि आपको कैसे बयां करूं, बस इसलिए जरा सा। लंग कैंसर है, आखिरी स्टेज पे है, कुछ ही दिन बचे हैं आपके पास जीने के लिए। वो रिपोर्ट तो कल ही आ गई थी, आला डॉक्टरों से मशवरा लेने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूं। बेहतर होगा आप जल्द ही एडमिट हो जाएं। अगर भर्ती हो गया तो जी पाऊंगा। वैसे डॉक्टरों की निगरानी में एक दो हफ्ते की जिंदगी बढ़ाई जा सकती है, अगर अचानक से कुछ हो गया तो यहाँ ख्याल रखने के लिए मैं होऊंगा। मिट्टी की सौंधी सुगंध में जीता आया हूं, दवाइयों की दुर्गंध में जी नहीं पाऊंगा। नमस्ते। जी अपने बच्चों को फोन कीजिए। इसकी कोई जल्दी नहीं, आराम से करेंगे। आराम से कैसे, भगवान ने आपको ज्यादा वक्त नहीं दिया है, सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। आपको डर ना लगे इसलिए डॉक्टर साहब ने ज्यादा वक्त बताया होगा जानबूझकर। अगर नींद में ही आपको कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरा क्या होगा आगे? कुछ नहीं होगा। क्या मतलब कुछ नहीं होगा? उन्हें पता चलेगा तो वो रोएंगे, दुखी होंगे, आ जाएंगे यहाँ पर। आने दो उन्हें यहाँ पर, वो तो जानते ही है ना उनके पिता की उनके लिए क्या अहमियत है। लेकिन अगर आपने उनको बताया ही नहीं और कल अगर आपको कुछ हो गया तो फिर वो अपने पिता दादा और ससुर के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाएंगे। वो जिंदगी भर उदास रहेंगे आपकी वजह से। सिर्फ डैडू रिपोर्ट आ गई क्या? कुछ ही दिन बाकी हैं। अरे घी खिला रही हो कि घी से नहला रही हो? तमी ऐसी हो गई जैसे मैं मम्मी बनने वाला हूँ। डैडू
आप कह रहे थे कुछ ही दिन की बात है, डॉक्टर ने दवा दारू का नहीं कहा क्या? अब दवाई का कोई असर नहीं होगा, मुझे लगता है कि मैं कुछ ही दिन रहूंगा। ठीक है डैडू, फोन रखिए, मैं देख लेता हूँ क्या कर सकते हैं। ठीक कहा, वो बजा फरमा रहे हैं, 5 हफ्तों से ज्यादा नहीं। अच्छा, आर यू श्योर 5 वीक्स? बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा मान लो 6th वीक तक भी अगर वो कैरी कर गए तो? अरे ये आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई टाइम किधर है, प्लानिंग करनी पड़ती है। हाँ माँ के वक्त भी यही प्रॉब्लम हो गई थी, वो कभी भी जा सकती है कह रहे थे, हम काम धाम छोड़ के वहाँ चले गए, वहाँ जाके देखा तो वो डंबल्स मार रही थी। थोड़े दिन हमने भी डंबल्स मार लिए और बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ वापस आ गए, लेकिन जब वो सीरियसली सीरियस थी तो हमने ध्यान नहीं दिया और उसका फ्यूज उड़ गया। जिस ट्रिप पर 4 लाख रुपया खर्च होता है वहाँ पूरे 20 लाख खर्च हो गए यार। यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वापस यहाँ आना कोई खाने का काम थोड़ी है। परमिशन लेनी पड़ती है, कई डेडलाइंस होती है, ऊपर से वीजा स्टैम्प करवाना पड़ता है, ऊपर से ये ट्रंप, इसका कोई भरोसा नहीं है जाने के बाद आने देगा कि नहीं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सर, ये लोग ये बात नहीं समझेंगे, अगर पेरेंट्स से मिलने नहीं जाओ तो ये हमें उनका दुश्मन समझते हैं। देखिए मुझे तो बताते हुए अफसोस होता है कि हम लोग तो मछली की तरह तड़पते रहते हैं कि कब वीकेंड आए और हमें एक छुट्टी मिले। एक लॉन्ग वीकेंड हमारे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर आयु दे। अरे इसे क्या हो गया, सच बात बता दी तो कड़वी लग गई। देखिए आप ये क्या कह रहे हो, मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमें 3 महीने पहले फ्लाइट बुक करानी पड़ती है, डिस्काउंट लेना पड़ता है, नहीं तो पैसे ज्यादा लग जाएंगे। जनाब बात को सीरियसली लो। देखिए आप मेरी बात सुने, मैं देख रहा हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल आदमी हैं, जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती आप कोई काम नहीं करेंगे, मैं अच्छे से समझ गया। तो डॉक्टर साहब सीरियसली बताओ कि मेरे पापा की सीरियस कंडीशन पे मैं कितना सीरियस हो जाऊं? देखिए आपके वालिद साहब वाकई सीरियस हैं, मेरी इल्तिजा ये है कि मुझे थोड़ा सीरियसली लीजिए। मैंने आपसे कहा है ना 5 हफ्ते, मतलब 5 हफ्ते उसके बाद मैं और आपके वालिद साहब आपकी जिंदगी से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ओके ओके बाय। आर यू सीरियस? क्यों बेटे क्या कह रहे थे डॉक्टर? नहीं कुछ नया नहीं, वही जो आपने बताया था। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जिंदगी की 75 बरसातें देख ली हैं। बस अब ये 5 हफ्ते और निकाल लो ना। मैं बाकी फैमिली मेंबर्स से बातचीत करके आपको बता देता हूँ कि हम वहाँ कब पहुँचेंगे। और मेरे सर पर मेरे प्रोजेक्ट्स की इतनी ज्यादा जिम्मेदारी है कि मेरे बाल भी आपकी तरह कभी भी उड़ सकते हैं। खैर मैं तो आ ही जाऊंगा। अच्छा ये महेश कहाँ है, उसे कहना कि यहाँ वहाँ ना भटके आपके पास ही रहे। प्रणाम भैया। अरे क्या भैया, डैडी के पास ही रहना, यहाँ वहाँ मत भटकना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है, समझ गए कि नहीं? तुझे घूमने के लिए उनके साथ रहने की सैलरी मिलती है। हाँ घूमना नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। खाली मुंडी मत हिलाओ। ठीक है नहीं हिलाता हूँ। डैडो टाइम क्या हो गया, वहाँ 9 बज गए क्या? हाँ बज गए, चलो सो जाओ, चद्दर ओढ़ के सोना, गुड नाइट। ये क्या बात हुई, इतनी जल्दी सोने के लिए क्यों बोला उन्होंने? मैं आपके बच्चों की जगह कभी नहीं ले सकता हूँ दादाजी। अरे महेश इतने दूर रहने वाले और कर भी क्या सकते हैं, और इस वक्त मैं उन्हें उनका काम धंधा छोड़ने की जबरदस्ती भी नहीं कर सकता। वो अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, मरते वक्त हमारी वजह से कोई परेशान ना हो ये अच्छा है, तभी तो हम शांति से जा पाएंगे। वक्त की दरकार है बदल जाओ, उम्र के साथ भावनाएं भी मर जाती। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारे यहाँ अनाथालय कम और वृद्धाश्रम ज्यादा है। मैं एक बात कहता हूँ, अगले दिन इन बच्चों में से कोई तो आएगा। अरे क्या लगा रखा है, या तो तुम रोना बंद कर दो या उस टीवी को बंद कर दो। वेंकट जी भाई साहब टीवी की वजह से ये इंस्पायर हो रही है रोने के लिए। ठीक है अब बताओ मुझे कब निकलना है। भैया बहुत काम है, प्रेशर इतना है कि क्या बताऊं मैं। 2 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ, शॉर्ट्स बदलाऊं बस सोने ही जा रहा था, तो यहाँ क्या मैं लंगोट पहन के सोता हूँ? मैं कोई भी काम करने के पहले 1 साल पहले से उसकी प्लानिंग करता हूँ, और डैडी की ऐसी खबर सुनना अचानक से, यू नो इट्स अनरीजनेबल। 5 हफ्ते में कैसे मैनेज करूंगा भैया, आई डोंट नो। अरे मौत आने से पहले कोई ईमेल भेजती है क्या, क्या बात कर रहा है भैया जी? आप सोचते हैं हम यहाँ है और वहाँ पहुँच जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा, केटरिंग में कितना काम होता है देखिए। हाँ यहाँ देखिए बहुत बिजी, ये सोचते हैं कि जब आप पहुँच जाएंगे तो हम भी आ जाएंगे। अच्छा कुछ तो बोलिए। तुमने बोल दिया, मैंने बोल दिया, भैया ये ठीक बोल रही है। हाँ हाँ ओके ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
अब डैडू के पास सिर्फ 5 हफ्ते हैं, उनमें से आखिरी 2 हफ्ते हम उनके साथ ही रहेंगे। जब वो गुजर जाएंगे उसके बाद के 2 हफ्तों में हम सारा काम निपटा के अपने अपने घरों में चले जाएंगे। इसका मतलब हम टोटल 4 हफ्ते राजमुंद्री में रहेंगे, तो पहले के 3 हफ्तों को दिमाग से निकाल दो और खुश रहो सब लोग। और हाँ, बीच बीच में उनसे बात कर लिया करो, उनका दिल बहला दिया करो, उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है भैया जी। ठीक है, वहीं मिलते हैं। चलता हूँ माँ। अरे पहले नाश्ता तो कर ले। नजर पड़ गई, अब तो पीछा करके ही रहेंगे। कहाँ जा रहे हो लल्ला? इस बार नहीं बताऊंगा, और ज्यादा पूछताछ करने की कोशिश मत कीजिए। 1 महीने तक मैं आपका बेटा नहीं हूँ। अरे 1 मिनट यार, मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलने 10 सेकंड में बोलिए। तेरे दादाजी की डेथ होने वाली है। What? ठीक है, अभी तो तू जा, बाद में बात करते हैं। डैडी प्लीज। उन्हें लंग कैंसर हुआ है, डॉक्टर के मुताबिक वो 5 हफ्ते से ज्यादा नहीं बचेंगे। हम सब ने तय किया है कि उनके 5 हफ्तों में से आखिरी 2 हफ्ते हम सब मिलकर उनके साथ ही रहें। तुम्हारे सारे चाचा भी आ रहे हैं, तो तुम भी अपना काम उसी हिसाब से समेट लो, ठीक है? अब जाओ, जाओ। अरे 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 अरे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, छोड़ो छोड़ो, मुझे बचाओ, मुझे गोली मत मारना प्लीज, मेरी जान बख्श दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया, माफ करो, माफ करो मुझे। दद्दू, आप मरते वक्त हंस क्यों रहे हैं? बेटा, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंतिम क्षणों में मैं हंसते हुए जाऊँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी मैं मुस्कुरा पाऊंगा। इतनी सारी टॉफियां, ये ले इसमें रख। ये ले, दौड़ना मत, टॉफियां गिर जाएंगी। एक ही छाते में जाएंगे, वही दफा। ठीक है ना? इंटरव्यू अच्छा देना बेटे, तू कर पाएगा, पहले पसीना पोछ लेना बेटे। हम खा डर रहा था। मैंने देखा नहीं, गलती हो गई। 1 कैपेचिनो। सॉरी। मेरे प्यारे दद्दू। अरे सोचता हूँ तेरे हाथों ही मर जाऊं, क्योंकि वैसे भी मुझे मरना ही है।
दद्दू, मैं आपका गम बढ़ाने नहीं आया, बल्कि हर एक दिन को खुशगवार बनाने आया हूँ। क्या सर, यहाँ पर शादी थोड़ी चल रही है? बकवास मत कर, जीने का जश्न मनाते हैं तो मरने का क्यों नहीं? आज से जश्न शुरू होगा। आइए समझाता हूँ। मौत के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कब किसको कब मौत आने वाली है। पर आप तो जानते हैं कितने दिन जिंदा रहेंगे, तो एक्सपायरी डेट आने से पहले हम हर दिन को दिवाली की तरह मनाएंगे। जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी करेंगे, और अधूरे ख्वाब तो पूरे करके ही रहेंगे। और क्या, क्योंकि इनको बढ़ावा देने के लिए कोई था ही नहीं, इसी वजह से बीमार पड़े हैं। इसी फुर्ती के साथ 10 साल और जी सकते हैं। लो, आपका पोता आ गया है, मजे कीजिए अब। लाइए दद्दू, खींचिए आपका पसंदीदा, फूकिए जिंदगी का मजा लीजिए। अरे यही तो जड़ है मेरे कैंसर की। तू कल रात को ही तो यहाँ पे आया है, और सुबह दादा के साथ पिद्दापुरम। जो भी प्लान होगा तेरा, लेकिन बहुत शांति से जाना पड़ेगा हम दोनों को। और वापस भी आना है, अमेरिका बनाने की सोच रहा है क्या हमारे स्टेट को? दद्दू गला सूख रहा है, नारियल पानी पिए। अरे पहले ये तो बता कि जाना कहाँ है। जहाँ भी जा रहे हैं आप खुश हो जाएंगे। बॉस दो कोकोनट। अरे भाई छोड़, टेंशन हो रही है मुझे। अब प्लीज ये मत कहना कि ये सब उनके लिए है। हाँ, ये चाहता है वो वहाँ जाए और उस काम को पूरा करे, क्योंकि वो अधूरा रह गया था। अरे लेकिन क्या काम है ऐसा? सुन, जितना मेरी समझ में आ रहा है, हम लोग जिस जगह पर जा रहे हैं उससे उनकी उम्र का कोई लेना देना नहीं है। अबे सिर्फ इसलिए कि उनकी चाहत है तो उन्हें हम वहाँ ले जा रहे हैं, लेकिन अगर उल्टा पुल्टा कुछ हो गया ना तो मेरा गला मत पकड़ना। तेरी गंदी सोच पे ब्रेक लगा। पिद्दापुरम में गलत काम होते हैं, और उसके आसपास के इलाके में अच्छे लोग भी रहते हैं। और कोई ऐसा है जो दद्दू के बहुत करीब था, जो सालों से उनसे नहीं मिला? 20 साल की उम्र में दद्दू को जानकी नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी, पर किसी वजह से बात बिगड़ गई और दोनों जुदा हो गए। बाद में दद्दू को एहसास हुआ कि गलती उनकी थी, पर उन्हें माफी मांगने का मौका नहीं मिला, इसलिए आज भी अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। कहते हैं माफी मांगने से आत्मा का बोझ हट जाता है और अगला जन्म और भी अच्छा होता है। अरे वाह, ये तो एकदम इंतजार में खड़ी है दरवाजे में। अबे उम्र का लिहाज कर, कहाँ रह गया वो? मेरा राम नहीं आया? अरे वाह, लगता है पेट नेम है ये दादाजी का। हा? बताओ कहाँ है, कहो जल्दी आ जाए। दद्दू वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं, चलिए ना। अरे तूने मुझे पूछा इसलिए मैंने मजाक में बता दिया, और तू मुझे सीधे मेरे जानू को मिलने के लिए मेरा मतलब है जानकी देवी। अरे दादाजी क्यों डर रहे हो, बहुत सोचते हो आप। वहाँ पे भी तो राम का इंतजार हो रहा है बेचारी की नजर से, अपने बाल भी काले किए। बंद कर। तद्दू, सालों पुरानी गलती सुधारने का मौका आज आपको मिल रहा है, इस मौके पे छपट पड़िए, छोड़िए मत। राम तो यहाँ भी आ गए। मुझे थोड़ी भूख लग रही है, चलो भजिया खा कर आते हैं। चलो बर्फ पकड़िए। नमस्ते राम। बिल्कुल नहीं बदले, पहले भी गुब्बारा लाते थे और ऊं करके कांपते थे, बिल्कुल नहीं बदले। अब मुझे देखोगे भी या मैं चली जाऊं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो जानकी? मैं भी अच्छी हूँ, कभी ख्याल भी नहीं आया था कि हमारी मुलाकात ऐसे होगी। आज 45 साल हो गए, या सच कहूँ तो 46 साल हो चुके हैं। प्यार का उम्र से कोई वास्ता नहीं है। सही बात है, आदमी औरत से चाहे जिस उम्र में मिले उसे हमेशा अंदर से कुछ तो होता ही है। तुम्हारी ये घबराहट देखकर अब मुझे हंसी आ गई। अब पिछली बार जब आए थे ना तो बरमूडा में थे, याद है? मुझ पर गुस्सा भी किया था क्योंकि मैंने राजकुमार से शादी कर ली थी, पर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। बाबूजी से तो कहा था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, पर एक तुम थे जो तुमने कोई एक बूढ़ी औरत के मुँह से उसके प्यार के किस्से सुनने में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है यार। तू चिपक मत, चिपक मत। तू तो बहुत भावुक है यार। उसी के लिए मैं माफी मांगने आया हूँ। दिमाग खराब है क्या? अब क्यों माफी मांग रहे हो? सब कुछ तो खत्म हो चुका है, तुम्हारे सर से बाल भी उड़ चुके हैं। वैसे राम आजकल क्या कर रहे हो? अब कुछ नहीं, बस जी रहा हूँ। यार इनके दिल की जो धड़कने आ रही है वो वूफर जैसी लग रही है ना, स्पीकर में लगने के बाद आती है, सही कह रहा हूँ ना? हे राम।
अरे भाई जरा धीरे, धड़कन बंद करेगा क्या उनकी? जरा उम्र का लिहाज तो कर। दद्दू अस्पताल ले चलूं? गाड़ी रेडी है। अरे रुक जा महेश, एक बात सुन लीजिए, ये सब करने से पहले ना घर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। डायरेक्ट बैट अगर हाथ में थमाओगे तो विकेट तो ऐसे ही गिरेगी ना। अभी उन्हें आने वाले 5 हफ्तों तक जिंदा जो रहना है। आज के जमाने में कल हमने क्या खाया था वो तक याद नहीं रहता, और आप दोनों को अपना पहला प्यार इस कदर याद है जैसे कि कल ही की बात हो। सच्चे आशिक आप ही हो दद्दू। अरे बाल भी उड़ गए और कहानी भी उड़ गई। मुझे बजाने से पहले उसे एक बार देखना था, बस देख लिया। असल में मैं तेरी जानू और तेरा ब्याह देखना चाहता हूँ, अब वो नामुमकिन लग रहा है। आपका हुक्म, सराखों पर बस लड़की लेकर आइए। मेरा एक यार है सूर्य नारायण नाम का, जब हम मिलते हैं तो बहुत मजे करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। उसकी एक पोती है, बहुत सुंदर है, तुम्हारी जोड़ी बहुत जमेगी। उनसे कहिए कपड़े का थान ले आ, यही मंडप बांध देंगे, ये मिलने मिलने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधा शादी करेंगे। अरे तू लाख वहां जाएगा लेकिन वो कभी नहीं आएगा। वजह? उसके लिए भी तेरा बाप ही जिम्मेदार है। यहाँ भी वो? नारायण बोलो क्या हुआ? मेरे सीने में दर्द हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। पहले बता तू है कहाँ? यहीं दरिया किनारे। नारायण मैं भी आता हूँ। अरे अरे डैडू मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ, चलिए चलिए आता हूँ। वो सूर्य नारायण को हार्ट अटैक आ गया है। हाँ तो आप वहाँ जाकर उसके दिल को ठीक कर देंगे क्या, या फिर आपको देखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा? कैसी बातें कर रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे डैडू इस वक्त आपकी नहीं एम्बुलेंस की जरूरत है, पहले एम्बुलेंस भेजते हैं उसके बाद फुर्सत में मिल लेना। हम लोग इतने बरसों बाद यहाँ आए हैं लेकिन आप हमारी ओर ध्यान देने के बजाय किसका सर दुख रहा है किसका पैर दुख रहा है ऐसा ही करते रहे तो हम वापस नहीं आएंगे फिर। डैडी यहीं रहना ठीक है। हाँ मैंने एम्बुलेंस तो भेज दी लेकिन मैं खुद नहीं गया, इसके लिए वो बहुत नाराज हो गया कुछ ही दिनों बाद। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर के सामने रुकने की? मैंने नहीं रोकी, जल्दी करो। खुद रुक गए। अरे नारायण बाहर से क्यों जा रहे हो, आओ घर में आओ। अरे जल्दी से भगा, जल्दी कर। अरे कर चल नारायण। अरे एक बार माफ कर दे यार, चल घर चल। अरे नहीं आऊंगा मैं। नारायण चल सुन, दद्दू इस दोस्ती की दरार मैं कल के कल ही भरने वाला हूँ, आप जिससे कहेंगे मैं उससे ही शादी करने वाला हूँ। फिलहाल लड़की का नाम तो बताइए। आरना। हा? आरना। हाँ हाँ हारना भूपू बजना। हाँ नहीं आ, आरना। अच्छा ये वो एंजेला आरना तो नहीं है ना? एंजेल सुनना ये कहना, आरना का ये कहना सुनना आरना का। दादाजी इसी के बारे में कह रहे थे, एक और है देखना। कैसा लड़का चाहिए तुझे? जो भी तुझे देखने आता है तो उसे मना कर देती है, तुझे कोई शहजादा चाहिए क्या? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। होने वाली बीवी है तेरी, मस्त लग रही है ना? ये वीडियो क्यों बनाती रहती है? अरे वो फेमस इसी से तो हुई है, 2 बड़े शॉप्स का रिबन काटा है पिछले महीने, और उससे पहले अफ्रीका का ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर आया था। इस पूरे एरिया में ऐसा कोई नहीं है जो एंजेल आरना का नाम सुन के खुश ना होता हो। ये एंजेल का क्या सीन है? अबे अकल के अंधे, आजकल की लड़कियां पेट नेम लगाना ज्यादा पसंद करती हैं। यही जैसे एंजेल आरना, स्माइली स्वप्ना, लवली लावण्या, स्लीपी पपी, पता नहीं लड़कियों को नाम में आजकल क्या लगता है यार। एंट्री हो रही है उसकी, जाकर देख। हाय आरना, कैसी हो? हाँ, हाँ पता है मुझे। मैं वो एंजल आरना। ये क्या, अल्लू अर्जुन जैसे स्टार क्यों बना रही है? ज्यादा बोलेगा तो बोलेगी कि अल्लू अर्जुन ने उसकी कॉपी की है, अब टाइम पास करना छोड़, एक बार क्लास में गई ना तो यहीं पर बैठना पड़ेगा हमको। इसकी फ्रेम बनवा देना, अगले साल दीदी से चेक करेगी। इस लड़की से बात कैसे करूं?
हे मेरे मजनू, हम तेरी प्रेम कहानी को ना सिनेमा की तरह इतना लंबा खींच नहीं सकते, शॉर्टकट में करना पड़ेगा रे। उसके सामने जा, पास जाके आई लव यू बोल और सीधे शादी कर डाल। हाँ बोलेगी तो, और उसके बाद सुहागरात, यमी 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 भाई, ऑल द बेस्ट। मैरिज बाइक पर फॉलो कर रहे थे तो मुझे लगा इंस्टा फॉलोअर हो तुम। किसी को भी ना कहने से पहले कई साल चक्कर लगवाती हूँ, और तुम्हारा ख्वाब है शादी का, ऊपर से इतनी हिम्मत कि मुझे टाइम दे रहे हो, वो भी 10 दिन का। एंजल आना को तुमने 2 मिनट नूडल समझ रखा है क्या? चक्कर चलाने थोड़ी कह रहा हूँ, शादी करने के लिए कह रहा हूँ। तो तकलीफ ये है? तकलीफ है, आजकल की लड़कियों को आदत हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग करने की, जो अच्छा लगता है उसे कार्ट में ऐड करती है, लेकिन सब कुछ खरीदती है क्या? और तुम कह रहे हो मैं उससे शादी करूं जिससे आज तक मैंने प्यार भी नहीं किया, ऐसा कर सकती है क्या एंजल आना? ये एंजल एंजल बंद करो, मेरे एक दोस्त के डॉगी का नाम एंजल था। नाम ही ऐसा हर कोई रखना चाहता है। मैं एंजल हूँ, देवी हूँ, मैं जब तक खिड़की ना खोलूं सूरज की भी नो एंट्री होती है, और तुम ख्वाब देख रहे हो मुझसे शादी करने के, इम्पॉसिबल है। मैडम खिड़की खोले बिना कहीं भी धूप अंदर नहीं आती है। रहने दे, रहने दे। हम किसान है, अगर तेरे बारे में मेरे पापा को पता चल गया ना तो ऐसे 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 करके नहीं मारेंगे तुझे, एक ही काफी होता है। एक्सप्रेशन चाहिए मुझे वही वाला, सिर्फ एक। अच्छा वीडियो बन गया, बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। देख बंधु, हम पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं, लेकिन ऐसा पटाखा संभालना बहुत मुश्किल है भाई। मुझे लड़की पसंद आई, अब इसके बाबा से बात कर लेते, तो चलो। हे बालाजी, हे पट्टाभी रामा, हे वेंकट रमना, गोविंदा गोविंदा, जय लक्ष्मी माता। सर, मिस्टर राजू, मिस्टर शिरीष, गुड मॉर्निंग सर। हमारे कंपनी अग्रीमेंट में जितने होर्डिंग है उससे ज्यादा की जरूरत है सर। हमारा क्लाइंट बाहर वेट कर रहा है सर, कम से कम वॉइस मैसेज तो गया। शक्ल से तो बिल्कुल भी उस लड़की का रिश्तेदार नहीं लगता। तो क्या हुआ, तेरे दद्दू की ख्वाहिश तो पूरी हो रही है ना? क्यों भाई, क्या चाहिए? आओ तशरीफ रखो। तो कौन सा प्रोडक्ट है आपका? होर्डिंग में पोस्टर लगाने से मैगजीन में स्टिकर लगाने तक हम सब पब्लिश करते हैं। इश्तेहार नहीं छापने, शादी करवानी। शादी मतलब शादी का इवेंट? हाँ वो भी करवाते हैं, कम ज्यादा मीडियम, बताइए कौन सा बजट है? बजट तो आपको बताना है। मेरे भरोसे रहोगे तो घाटा हो जाएगा, पागल मत बनो। लड़की वालों की तरफ से कौन है? आप हैं लड़की वाले। शादी के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है, जब तय करेंगे तो बता देंगे, नंबर छोड़ दो। सुनिए ना, इसके दद्दू की तबीयत दरअसल बहुत ही खराब है, तो उनके स्वर्गवास से पहले अगर इसकी शादी हो जाए तो। एक मैसेज सुन लेता हूँ, इसको बाद में सुनना, क्योंकि फायदे का सौदा तो मेरे साथ ही होगा। अमेरिकन कार्ड मुझे मंजूर है, तुम्हारा जैसा दामाद मिल जाए तो बहुत सारे एग्रीमेंट करेंगे। ये खाओ, ये पियो। अभी बजट थोड़ा कम है, इसलिए बड़े इवेंट छोड़ने पड़ते हैं। अब तुम जुड़ जाओगे तो हर दिन त्योहार मनाएंगे। अच्छा एक काम करो, अभी जाके मेरे बड़े भाई से मिल लो, अगर वहाँ बात बन गई तो समझो सबसे बड़ा वाला भी मान जाएगा। आप मिला के कितने भाई हैं सर? हम लोग 3 भाई हैं, आरना सबसे बड़े वाले की बेटी है, एंजल आरना, इसे पता है। ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अच्छा उनका नंबर दीजिए ना। उसका नंबर मुझे याद है, लिख लो। साई है वहाँ? हाँ अभी अभी आया है। किससे बात कर भाई? किसका फोन है? तेरे बाबा का फोन है। बोलिए। क्यों बे? एक तो तू मुझे बिना बताए वहाँ चला गया, उसके बाद कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ अरे तू तो जानता है ना तेरे जाने के बाद मेरी हालत क्या होती है। सुनने में तो ठीक लग रहे हैं। अरे एक प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ, वरना वहाँ कब का आ गया होता। लेकिन तुझे मेरी क्या पड़ी है? अरे ये बताइए काम क्या है? मैंने शादी पक्की कर दी है। आप शादी कर रहे हैं? अरे मैं नहीं तू। दामोदर पता है ना? वो तो क्लाइंट है ना? आ, उसकी ही बेटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यू वेलकम। आपने डील पक्की करके हमारी कंपनी को बहुत ऊपर उठा दिया है, और जब आपकी बेटी हमारी बहू बनेगी तो हमारी हाइट भी आपकी हाइट जितनी हो जाएगी। रिलैक्स, इट्स ओके। मैं ये कह रहा था कि पहले आप अपने बेटे के साथ गुफ्तगू कर लेते तो बेहतर होता। सर जी, हम लोग दो अलग अलग हाथों की तरह हैं, जब टकराते हैं तो ताली एक ही बजती है, ठीक वैसे ही हमारी सोच भी एक है। अरे मैंने तो ऐसे ही तेरी शादी का तीर हवा में छोड़ा था, लेकिन वो फट से मान गया। अब तू हवा में मत उड़ना। समझा कि नहीं? उन्होंने ये डील इसीलिए पक्की की है ताकि तेरी शादी उनकी बेटी से हो जाए। अगर तूने ना कहा तो डील भी कैंसिल हो जाएगी, तुम्हारे साथ जोड़ी जचेगी उसकी। चल मैं उसकी फोटो भेजता हूँ, तू दादाजी को भी दिखा दे, हो सकता है वो तेरी शादी तक रुक ना पाए। क्या कुछ भी बोलते रहते हैं। तेरे बाबा कहते हैं वैसे कर ना। हरगिज नहीं, आपकी बताई लड़की मुझे अच्छी लगी, वही घर वाली बनेगी। अगर बाप की बात मानना फर्ज है तो दादा की बात मानना डबल फर्ज है। आप बेफिक्र होके सो जाइए, जाइए। मैच लेके जा। आया आया, आराम से।
दीजिए। साई, झगड़े में वक्त जाया मत करो, इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज तो मैं घबरा ही गया था। इसे मजाक मत समझना, ये सिर्फ दिखने में ठीक लग रहे हैं, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जी समझ गया, ख्याल रखिए, चलता हूँ, बाय। अच्छा देख भाई, तेरा जो दूसरा ससुर है ना, वो हमारा फोन कट कर रहा है, लगता है मटन काटने का काम करता है। एक काम करे क्या, आरना से सीधे बात कर ले तो। हेलो, ये सब क्या है, चाचा से मिलने की क्या पड़ी थी? और क्या, रिश्ते की बात तो बड़ों से करेंगे ना, अब तुम में इतनी अकल तो है नहीं, कौन अच्छा लड़का है कौन बुरा है तुम्हें क्या पता, इसलिए बड़ों से बात की। तुम उन्हें लाइक करते रहो, पर वो तुम्हें लाइक बिल्कुल नहीं करते, और मेरे साथ टैग होने की तो सोचना भी मत। लिख के ले लो, कल तुम्हारी गली तक पहुंचूंगा, फिर तुम्हारे मोहल्ले तक, फिर तुम्हारे घर के अंदर घुस के सबको राजी करके तुमसे शादी करूंगा, समझी? क्या कहा तुमने, अगले मंडे एंगेजमेंट है? अरे ये तो लेट है, मेरा बस चले तो अभी आ जाऊं, सात की जगह चार फेरे लेके काम खत्म करूं। बोलो आइडिया कैसा लगा? एंजेलाना, पता नहीं फॉलोअर है या मुसीबत। ये अमेरिका से आया है, सब सुन लिया, देख भी लिया है। दीदी, जीजाजी कोई मामूली हस्ती नहीं है। देख क्या कह रही है, मेरी शादी थोड़ी ना हुई है इससे। अगले 10 दिनों में तो होने ही वाली है ना। ये गलत फहमी है उसकी। ठीक है, देखा जाएगा, साबित भी हो जाएगा। जो लड़का अमेरिका में लड़की ढूंढ नहीं पाया, वो राजमुंद्री में मुझसे शादी कर लेगा, ऐसा क्यों लगता है उसे? उसे आपसे प्यार हो गया होगा, आपका वीडियो देखकर फिदा हो गया होगा आप पर। यानी कि क्रीम कलर्ड लहंगे में जो स्लो मोशन वीडियो बनाया, वो अच्छा लगा उसे? बहुत ज्यादा। तभी तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वक्त बर्बाद नहीं किया, उसके बजाय रिक्वेस्ट भेज के सीधा यहाँ इंडिया आके राजमुंद्री आकर तुम्हारा हाथ मांग लिया। यानी कि उसे मुझसे प्यार है क्या? ये भी बताना पड़ेगा कितना ज्यादा प्यार करता है। हाँ जानना है मुझे, जल्दी से जानना है, टुक टुक की तरह। दादाजी, आप सिंह ब्रदर्स के घर जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूँ। पता नहीं और कितनी परेशानियाँ झेलेंगे आप। ओए, ये किसकी बात कर रहा है? अरे सर, बड़े लोग हैं, लोकल लिकर के बड़े डॉन हैं वो। सिंह को आउट सिंह करते हैं, आउट सिंह को सिंह करते हैं। दोनों भाई जो कुछ भी करते हैं ना, एकदम सिंक में करते हैं। पर दद्दू का उन लोगों से क्या ताल्लुक? तुम्हारे दादाजी हर इतवार को तुम्हारी दादी के समाधि पर जाना पसंद करते हैं। समाधि पर रखी तुलसी में पानी डालते हैं, उनकी पसंद की फूल और मिठाइयाँ लेकर जाते हैं, पूरे हफ्ते में क्या क्या हुआ उन्हें बताते हैं, चाहे उन्हें कितना भी टेंशन हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनका चेहरा खिल उठता है। पर अब इन सिंह ब्रदर्स की वजह से वो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। पर इस बात से उन्हें क्या दिक्कत है? समाधि के आसपास की 6 एकड़ जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तारे वारे लगाकर घेराबंदी कर दी है, अब वो उन्हें वहाँ पर नहीं जाने देते। हमने कहा था कम से कम समाधि का रास्ता तो खुला छोड़ दें, उन्होंने कहा जब तक ये हिस्सा हमें नहीं मिलता हम उन्हें जाने नहीं देंगे। जमीन बेचने के बाद उस रास्ते का वो क्या करेंगे? अरे देर हो रही हाँ, है। आया दादाजी, हर बार उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं पर वो लोग मानते ही नहीं है। फिर से आए रघु, समझ में नहीं आता वहाँ तुम अपनी बीवी के साथ क्या कारस्तानी करते हो, लेकिन तुम्हारा दीदार करके बड़ा मजा आता है हमें। अच्छा तो गौर से सुनो, मजा तो हमें भी काफी आता है, आप बस उसे सीमेंट का ढांचा समझो और धड़ाम से गिरा दो, फिर आपको उसका बेहतरीन लेआउट मिल जाएगा। और हर संडे को फंडे बना लेना, उसमें एक झोपड़ी बना लेना। सुनो, मेरी तबीयत अब अच्छी नहीं रही, अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ मैं, इसलिए बाकी बचे हुए दिन उसके साथ ही रहना है मुझे। ये क्या बात कर रहे हैं आप, क्या वाकई? रघु रामैया जी, अब तक अगर हम लोग ये नहीं समझ पाए कि आप बीमार हैं, मतलब साफ है कि हम सिंक में नहीं हैं। आपको फौरन साइट पे चलना चाहिए, पर पहले कागज पे दस्तखत कर दो और जमीन का सौदा हमसे कर लो, क्योंकि आप ऊपर चले गए तो आपके घर वाले एक और सीमेंट का ब्लॉक वहाँ बना लेंगे, तो वहाँ की खूबसूरती तो खत्म ही हो जाएगी ना। कहिए कागजात ले आए।
मेरा बजा सिंक। मालिक, कोई हमारे तार काट रहा है। अगर कोई रोकने की कोशिश करे तो वो हड्डियां तोड़ देता है। कौन है वो? रघु रमैया का पोता। अरे ये क्या नॉनसेंस है, यहाँ हमसे मोहब्बत से बात कर रहे हो और वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी करवा रहे हो। ए, इससे पहले कि हम वहाँ पहुँचकर अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाएं, उसका जिस्म विदाउट सिंह हमें वहाँ पड़ा हुआ मिलना चाहिए। नागराजू, उसे उसे बख्श दो। हम हैं नागों के बादशाह। उससे कह दो कि अपनी बीन बजाना बंद करे, वरना वहाँ पर आके उसे डस लेंगे। चलते हैं, ये तो आउट सिंक है ना, इसको बाद में सिंक करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो पकड़ो। दोनों को सिंक में मारना पड़ेगा। परफेक्ट, सिंक में मारना पड़ेगा। सुधर जाओ वरना। माफ करना, रास्ता उधर है। सरस्वती, तुम्हारे कितने बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम्हारे काबिल पोते ने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। उसने साबित किया कि अपने खून में कोई कमी नहीं, हमारा लाडला पोता। देखो, अगर तुम लोग इस उम्र में घंटों बात नहीं करने की आदत डालोगे और जब बड़े हो जाओगे और कहीं डड़ पड़े तो महीनों और सालों बात नहीं कर पाओगे तुम लोग। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनसे खफा भी हो सकते हैं। नाराजगी दूर होते ही मोहब्बत डबल हो जाती है, मगर दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए। इतनी समझदारी है तो अपने दोस्त का साथ छोड़ क्यों दिया? मैं आपके लंगोटिया यार रघु का पोता हूँ। जाओ तुम लोग खेलो। दादाजी को इस बात की खबर नहीं है कि मैं आपसे यहाँ पर मिलने आया हूँ, उन्होंने मुझे नहीं भेजा है। मेरे दादाजी के पास कितना वक्त बचा है ये तो सिर्फ भगवान ही जानते हैं और कोई भी नहीं। आपने तो सालों से उनका हाल नहीं पूछा, पर वो खुद अपनी हालत बताना चाहते थे, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। अगर वो अचानक दुनिया से चले गए तो आपको उनसे बात करने का जिंदगी भर मौका नहीं मिलेगा। एक बार सोच लीजिए। सूर्या, रघु, अरे तूने ये कैसे सोच लिया कि मुझे बेसहारा करके चला जाएगा? बोल रघु। रघु। तू आया है तो
ऐसे लग रहा कि मौत भी कहीं छुप गई है। लग रहा था तुझे मिले बगैर ही चला जाऊंगा। अरे जिसका पोता ऐसा है उस दादा की ख्वाहिश कैसे नहीं पूरी होगी। चल चल एक वादा कर तू। अरे अब वादा तो जीने वाले करते हैं, किसे पता है कि वादा निभाने के लिए हम जिएंगे भी कितने हैं। तेरी हयात में ही तुझसे पूरी करवाऊंगा। तू अपने पोते की शादी मेरी पोती से करवा, समझ गया? मान गया, आपको देखकर यकीन होता है कि दुनिया में दोस्ती आज भी जिंदा है। पर सूर्या, तेरा बेटा मान जाएगा क्या? अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगा, जायदाद मैंने किसी का नाम नहीं की, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, उंगलियों पे नचाता हूँ। अगर मेरा हुक्म किसी ने नहीं माना तो फिर। अब मैं बाद में फोन करता हूँ। पापा बड़ा हो गया, अकेले में मारा करो। अरे जब तक पूरे 50 का नहीं हो जाता ऐसा ही चलेगा। पापा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रघु रमैया के घर बेटी नहीं ब्याहूंगा। अगर उस दिन वहाँ एम्बुलेंस नहीं आई होती ना तो आज आप जिंदा नहीं होते। हार्ट अटैक आने पर एम्बुलेंस वाले को सपना दिया था कहाँ पर जाना है, उसे बुलाना पड़ता है, वो इनके जिगरी ने बुलाई थी। मैं जानता था वो अपने सूर्या को ऐसी हालत में नहीं छोड़ेगा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मेरी पोती को बुलाओ जल्दी, उसकी शादी इसी के साथ होगी। ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारी शादी को लेकर बातें चल रही हैं। ऐसे क्या देख रहा हो? लड़की की जिंदगी की बात है, इसमें हमारी पसंद नहीं चलेगी, उसकी पसंद की बात है। अरे बेवकूफ इंसान, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैंने कब कहा? नहीं नहीं मैं नहीं करती, ये करता होगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, प्यार तो हो गया है ना, बस शादी के बारे में सोचना चाहिए। अगला स्टेप सीधे शादी। हाँ और क्या। अब ये क्या कह रही हो, तुमने ही तो ये कार्ड दिखाकर कहा था कि इसे शादी करूंगी। राम 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 राम, मतलब अब सारे काम तुम हमें बिना बताए ही कर लोगी। यानी कि आपको बताना जरूरी है। क्या ये तुम आज कह रही हो मुझसे? अरे मुझे भी कहाँ पता था, अब बता रही है रिलेशनशिप में है और शादी करा दो। ससुर जी इन दोनों ने आपस में चुपचाप रिश्ता तय कर लिया, आगे क्या करना है आप बताइए। ये क्या बात कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं दिख रहा हूँ जो तुम सीधे पापा से बात कर जा रही हो, क्या मैं कुछ नहीं लगता हूँ? शाबाश मेरे शेर, तो वाकई मेरा होनहार बेटा है। मैंने क्या गलत कहा? अभी तो कहा तू बाप है और शादी देखना चाहता है, तो देख। हाँ हाँ कौन रोक रहा है, देख 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 ना। मैंने कुछ कहा क्या? क्या पता कह दिया हो, याद नहीं होगा। हो सकता है मुंह से निकल गया। तो बात पक्की हुई, मेरी पोती के हाथ की कॉफी पीकर जाना, ठीक है? प्लान किए तो मैं टुक टुक वीडियो भी नहीं बनाती, वो छोड़ो बिना चेक किए तो मैं स्टोरीज भी नहीं डालती हूँ, और मुझसे कह रहे हो बिना प्यार के तुमसे शादी कर लूँ मैं? इसका मतलब तुम्हें पहले प्यार का सैंपल चाहिए? करेक्ट। बताओ एंजल आर्ना का लॉजिक गलत है क्या? कई बार हम वीडियो देखते वक्त उस पर बिना सोचे लाइक कर देते हैं, तुमने भी ऐसा किया होगा, बस मुझे भी लाइक कर लो, बात बन जाएगी। कमाल, सेम टू सेम मेरे साथ भी हुआ। सेम टू यू। वीडियो में क्लिक से लाइक होता है और प्यार में आंखों से लाइक हो जाता है। अरे हाँ, उस दिन बाइक पर जब तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ना, मेरी आंखों ने तुम्हें टैप किया था ना। बिल्कुल सही। लेकिन मैं ना तुम्हें फॉलो नहीं करूंगी। नाराजगी, यही नाराजगी मोहब्बत है, इस शुरू ही नाराजगी से होता है, नाराजगी में मारने का मन करता है, गला दबा के मारने का मन करता है। हो गई मोहब्बत, शादी के बाद गले पड़ना। अच्छी कॉन्टेंट प्लानिंग करते हो। अच्छा बताओ ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ये ना लव है ना अरेंज है, किस्मत मैरिज है। वही तो, तुम मुझसे लव करते हो, मैं तुमसे मैरिज कर रही हूँ, दोनों को मिला दो, लव कम अरेंज। सही कहा ना? सही। दादाजी को भी यही नमूने मिली थी, यही कि तुम्हारे साथ रिश्ता तो जुड़ गया लेकिन पापा के साथ जो रिश्ता बिगड़ा है उसे कैसे सुधारूंगा। पापा दी ग्रेट, गुस्सा मत होना। मैंने तुझे एक लड़की की फोटो भेजी थी देखने के लिए और तूने मुझे दूसरी फोटो भेज दी, इसीलिए मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आप कुछ भी बोलिए, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, आप टांग मत अड़ाओ, मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। क्या बात कर रहे हैं, पहले दादाजी से बात करवाओ, फोन दो उनको। कैसा है तू? क्या डाडू, कबाड़ा कर दिया ना है? जरूर आपने कहा होगा कि ये आपकी आखिरी इच्छा है। अरे तुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बात सुनेगा? तूने मेरी कभी नहीं सुनी, तेरा बेटा क्या सुनेगा? डैडू अपने आखिरी दिनों में तो हमें परेशान मत करो, ये आप ही का किया धरा है। पापा होके अपने पापा पे मत चिल्लाओ, शादी से प्रॉब्लम है तो आके शादी तोड़वा दो, वरना हमारे लिए हनीमून की टिकट और पैकेज सब बुक करा दो। मैं भी देखता हूँ कि तेरी ये शादी कैसे होती है, अभी वहाँ आकर तेरी शादी तोड़ देता हूँ। तो क्या बोल रहा है, एक तो डैडी की आखिरी विदाई में आने के लिए 10 बार सोचना पड़ रहा है और तू कह रहा है कि तेरी शादी में आओ? मुझे कुछ नहीं सुनना, गाड़ी बैलगाड़ी ट्रेन कुछ भी पकड़ो पर आओ, अपने भतीजे के लिए 2 हफ्ते एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते। तू पते की बात कर रहा है, ठीक है चल हम लोग आते हैं।
सब लोग पहुंच रहे हैं तो हम भी पहुंच जाएंगे। हम जरूर आएंगे साई, पर कैटरिंग हमारी होगी साई। जो बाहर दोगे वो हमें दे देना। चाचा भी यही चाहते हैं। बोलिए ना। हाँ, चाची जान बिल्कुल सही फरमा रही है। साई, बधाई हो। ये सूखी सूखी मुबारकबाद नहीं चाहिए, यहाँ पर आकर असली में गिफ्ट दो, समझे? चलो डेटा ओवर। दादाजी सब हाजिरी लगाएंगे। देखिए आ गया। वेलकम टू इंडिया। नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट डिक्लाइन। तू इधर आ। क्या जल्दी पड़ी थी? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, फिर भी तुम दोनों ने शादी कर ली। अब ये मत कहना कि तुम चाचा के साथ रहकर केटरिंग में उसकी मदद कर रहे हो। पापा मैं आपकी तरह नालायक नहीं, मैं एक आदर्श बेटा हूँ, इसलिए मैं आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं करूंगा। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, पहले से घर भेज दे वरना मार डालूंगा। पापा आपने अपनी जिंदगी में कभी मक्खी भी मारी है क्या? अरे बेटा तू समझता क्यों नहीं है मेरे लाल, दामोदर ने हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया 5 साल के लिए। प्रोजेक्ट नहीं मेरी जिंदगी है, आपका प्रोजेक्ट आपको पोते दे सकता है क्या? अपनी बेशकीमती औलाद की आपको कदर नहीं है? बाप के नाम पे धब्बा बनना चाहते हो? बोलो धब्बा बनोगे? बोलो बनोगे धब्बा? बेटा मैंने उधर भी हाँ कह दी, मीठा पान भी खा लिया हमने। ये कौन सी रस्म है? उस दिन यूं हुआ, पता है कल रात मेरा बेटा आपकी बेटी की फोटो देखकर पागल ही हो गया। सुबह उठते ही मुझे फोन करके कहा कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर अंकल को मीठा पान खिला देना। मैं समझा नहीं। सगाई सर और क्या? जी जरूर। इंगेजमेंट पान? यस। आपको पान खा के बवासीर होता है ना, फिर क्यों खाया? अरे पान नहीं, मुझे लालच था प्रोजेक्ट का। अरे उसी का फोन है, तो कट करो ना। बोलिए सर। क्या हुआ, आप अचानक राजमुंद्री चले गए? जी हाँ सर, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है। अच्छा, आपकी आवाज की थरथराहट सुनकर मैं हालात का अंदाजा लगा सकता हूँ। दरअसल मैं अपने पिता की बहुत इज्जत और उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके आखिरी लम्हों में मैं उन्हें छोड़ ही नहीं पाता था, इसीलिए तो मैं उनके साथ रहने आया हूँ सर। ओके सर, रखता हूँ। हाँ हाँ सर, बोलिए ना। आप मुझे उनकी सेहत के बारे में बताते रहिएगा, आई अप्रिशिएट दैट। ओके सर। पापा हाँ। उसकी बेटी हमारे घर की बहू नहीं हाँ। बल्कि मैं उसके घर का घर जवाई बन जाऊंगा हाँ। आपको चलेगा क्या? ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। और ये घर की बहू बनी तो मैं जोरू का गुलाम बनके हमेशा आपको घर में ही देखूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। ये राजमुंद्री में आकर कौन सी लड़की ढूंढ ली तूने? जब पापा राजमुंद्री से है तो पत्नी तो होगी ना। ये तो पूरी राक्षसनी है। बिल्कुल नहीं, देवी हूँ, एंजल आना। अंकल कैच, सेम एक्सप्रेशन देना, मुझे टुक टुक वीडियो बनाना है। अरे पायलट का फोन आया था, उसको प्लेन उड़ाने की जल्दी हो रही है, चलो चलो चलो। एनआरआई क्या जाने टुक टुक की वैल्यू। डैडी बड़े भाई साहब आ गए। अच्छा मैं बाद में मैसेज करता हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि मेरा बड़ा बेटा जरूर आएगा।
अरे रमेश, अरे इतना जोर क्यों लगा रहे हैं? अभी दो हफ्ते बचे हैं। दो हफ्ते बचे हो या दो दिन, तू आ गया है ना बस। भाईजान जूस लो ना। क्या के तूने बिजनेस भी शुरू कर दिया है? ये कौन धक्का मार रहा मुझे? भैया जी ये मेरा भाई है और ये उसकी बीवी, अभी अभी शादी हुई है ना। नई नई शादी है ना, इसलिए इनका दूर रहना मुश्किल है। हाँ दिख रहे हैं चिपके हुए, अलग हो जाओ दोनों। अच्छा अच्छा रमेश सुन, ये मेरा दोस्त सूर्य नारायण, याद है ना तुझे? हाँ हाँ हाँ, ये तो चल बसे थे ना। अरे मेरे इस दोस्त ने एम्बुलेंस भेजकर मुझे नई जिंदगी दी थी। असल में यही जिम्मेदार है। अरे एम्बुलेंस का आइडिया मैंने ही तो दिया था। पापा ये आपके होने वाले समझे, नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। चलिए मुहूर्त का वक्त हो गया है, आइए। हाँ हाँ अब आए हैं तो आना ही पड़ेगा। तू कहाँ जा रहा है? तू भूल गया कि घर में किसी की मौत होने वाली है? ये सजावट सब हंस खेल रहे हैं, बड़ा अजीब लग रहा है ये सब। इस माहौल को खराब करने आप जो आ गए हैं। अरे जो होना है वो होना ही है। हाय एवरीवन, मैं हूँ एंजल आना और आज मेरा स्पेशल डे है। ये है मेरे मंगेतर साई। कैसे हो? अरे दवाई आज नहीं कल। डैडी भी ना। अरे अरे जरा रुको तो, मुझे भी फोटो निकालनी है। अरे मैं आ रहा हूँ कि नहीं? अरे डैडू क्या फाइनली ये आपका फाइनल स्टेज है? अरे रघु, अरे डैडी क्वार्टर फाइनल लगता है ना, बुरा लग रहा है। मैं पूछ रहा था कि पहली घंटे में फोन उठा लिया, सेल्फी भी लेते हो, दबा के खा भी रहे हो और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन रहे हो, और दिखने में भी ये कोई लास्ट स्टेज नहीं लग रहा है। अरे वो एक पिक्चर है ना जिसमें प्रकाश राज बोलता है कि वो मरने वाला है, ये बात सुनते ही सारा कुनबा उससे मिलने के लिए उसके घर पर चला आता है। मुझे तो लगता है कि हमारे घर पर भी आप कोई रोल अदा कर रहे हैं डैडू। आप उनको अपना बच्चों को मिलने का वास्ते मौत का बहाना बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, समझा क्या? आई डैडी आप समझ क्यों नहीं रहे? जस्ट मजाक। मस्ती मजाक। अरे ये कैसा बावला है, जो दिल में आता है कहता है, जो दिल में आता करता है। अरे इनको इतना भी दिमाग नहीं कि किसी की बात का इनको बुरा भी लग सकता है। उसका बचपना नहीं गया अभी, दिल का बुरा नहीं है वो, उसको हर चीज एकदम क्लियर चाहिए। चलो मुहूर्त टल रहा है, दोनों खानदान के लोग आपस में शगुन बांट लें। अरे शगुन दोगे कि नहीं? हाथ से कुछ छूटेगा कि नहीं? भैया जी बस धन्यवाद। मैंने कहा कोई भी सेल्फी वेल्फी नहीं होगी यहाँ पर। मैं भी दो, आप रहने दो ना, बैठो मैं देता हूँ। नहीं नहीं मैं परोसूंगा, लीजिए एक और आकर आ, 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 आ। रघु तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। रिश्तेदार आ गए और तू भी है मेरे साथ, इससे अच्छा क्षण क्या हो सकता है मौत से मिलने के लिए। ददू उठो ना ददू उठो ना प्लीज ददू उठो ददू।
सर 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 यही इंतजार कीजिए सर, डॉक्टर अभी चेक कर रहे हैं। ठीक है, इंतजार करते हैं। भैया कहीं पापा ने जमीन का बंटवारा तो नहीं कर दिया ना? क्या मतलब है तेरा? मतलब कुछ साल पहले पापा ने अपनी जमीन हम लोगों में बराबर बांटी थी, लेकिन हाल फिलहाल में कोई जमीन उन्होंने खरीदी होगी तो विधि खत्म होने के बाद हम लोग आपस में बराबर बांट लेंगे। वो क्या है कि अगर सेकंड विजिट वापस आना पड़ा तो स्केड्यूल की लग जाएगी। ऐसी गिरी हुई बातें यहाँ करेगा तो सब हमारे मुंह पे थूकेंगे। क्यों? अरे प्लानिंग है। वेट, नर्स आ रही है। नर्स, अब उनकी क्या पोजीशन है? वो कहीं वो चले तो नहीं गए? जो है वो बताइए ना, फ्रेंकली हम मेंटली तैयार हो सकते हैं ना उसके लिए। By the way, आप क्यों रो रही हैं सिस्टर? हाँ। वो मेरे डैडी हैं, शोक हम मनाएंगे। ए चलो रोना शुरू करो। सर 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 ये कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई हैं। डॉक्टर अभी जांच कर रहे हैं, उसके बाद रो लीजिएगा। अंदर चलिए, ड्रेसिंग हाँ, करनी है। जब से यहाँ आए हैं वेट ही तो कर रहे हैं हम लोग। बंद करो ये सब, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, शांत रहो, चुप रहो। ये क्या बात हुई? हमारे ससुर जी की सांसें थम रही हैं और आप हमें रोने की इजाजत नहीं दे रहे। और तुम एम्बुलेंस में फूट फूट के रो रही थी वो, और याद है ना तुम कह रही थी उनके मरने के बाद ढेर सारी शॉपिंग करोगी, मजे करोगी। ये ड्रामेबाजी बंद करो और अपने अपने मुंह छुपा लो। लगता है भाईजान अमेरिका में रह के बहुत मजा किया हो गए हैं। अरे डैडू जाने वाले इसलिए दुखी नहीं है तू, बल्कि मुझे 13वीं के खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ये सोचकर खुश हो रहा है तू। पापा ये क्या नाप शनाप बोल रहे हैं? मैं कहां कुछ बोल रहा हूं। तू अंदर जाके देख डैडू के पास कितना टाइम बचा है। जिसको देखो सबने बात को मजाक बना के रख दिया। तेरे पिताजी तो बहुत ही बड़ी हस्ती है यार। अबे हस्ती नहीं, उनको इतनी मस्ती है ना कि अच्छे अच्छों की छुट्टी कर दे। ये इस वक्त फोन क्यों कर रहा है? कहिए सर जी, ये हॉस्पिटल है और इसी आईसीयू में हमने डैडू को एडमिट किया है। इस तरफ एग्जिट है, हट जाओ एक बार। ये एग्जिट है सर, यहीं से डेड बॉडीज बाहर जाती हैं। वो सब ठीक है, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? नहीं नहीं, पहले हमारी बात ढंग से हो नहीं पाई थी ना, आप मुझे झूठा ना समझे इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ सर। अरे अपने बाबूजी के बारे में कोई झूठ बोलता है क्या? वो भी आप जो अपने पिता से इतना प्यार करता है। क्या बात है सर, अच्छा लगा कि आपको मुझ पर भरोसा है। सर नर्स आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ख्याल रखिएगा। बोलो क्या हुआ? अब कुछ नहीं बचा सर। हाँ, अब वो दुनिया में नहीं रहे। हाँ अब रोना चालू करो, धीरे धीरे, हॉस्पिटल है ये, तुम बाद में रोना। अरे बेवकूफ, मर्दों में जाके रो। बस बस हौसला रखो। My father just passed away. तुम भी मैसेज भेज दो। नहीं भैया, पहले मैं सेल्फी लूंगा, एडिट करूंगा, उसके बाद में पोस्ट करूंगा। सब रिप रिप करने वाले हैं और क्या। हेलो सर, क्या बात है, आपने फोन रखते ही मुझे मैसेज कर दिया। आपके फोन और मेरे मैसेज के बीच में आकर नर्स ने दूसरा ही मैसेज दे दिया। ओह माफ कीजिएगा, मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे सारे रिश्तेदार पहुंच गए? जी सर, सब पास में बैठकर रो ही रहे हैं। सर क्या हम ये शादी एक साल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं? मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, आप और आपका खानदान इस दुख की घड़ी से बाहर आ जाए फिर बात करेंगे। सर वो प्रोजेक्ट। अरे आप क्यों इस बात की फिक्र कर रहे हैं, मैं खुद इस पर ध्यान दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, अपना काम तो आपने बना लिया। अरे बैड न्यूज में गुड न्यूज मिल जाए तो अच्छा ही है ना। भैया डैडी के रहते फायदा नहीं हुआ, जाने के बाद ही सही। कौन जाने मेरे हिस्से में क्या आया। ए, लगता है तेरा दिमाग घास चरने गया। मैं कुछ सोच तो रहा हूँ ना, तू तो ड्रामा भी नहीं कर सकता है, तू किसी काम का नहीं है यार। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, उन्हें बताने से पहले कम से कम चेक तो कर लिया होता। माफी चाहता हूँ सर, सब इसकी वजह से हुआ। मेरी बात सुनिए, माफ कीजिएगा, सॉरी। आपके वालिद बिल्कुल ठीक है, उनके वालिद साहब फौत हो गए। व्हाट? अरे स्वामी फोन में क्या देख रहे हो? वालिद साहब तुम्हारे गुजरे हैं और ये लोग रो रहे हैं। What about my dad? वो कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक ठाक है जनाब, वो आप सबको एक साथ देखकर हैरान हो गए और बेहोश हो गए। Are you sure, डॉक्टर तुम ये क्या कह रहे हो? जी और क्या, आप लोगों को एक साथ देखकर खुशी के मारे उनकी जिंदगी दो हफ्ते बढ़ गई। अरे यार ये हो क्या रहा है? Exactly. हाँ हाँ मैं बताता हूँ। आज तक मैंने सुना था खुशी हर मर्ज की दवा होती है, आज मैंने ये बात देख ली। वो सब आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं, आप लोगों को साथ में देखकर उनका दिल दो हफ्ते और जीना चाहता है। उनकी मर्जी पूरी हो रही है ना, हो गई क्लैरिटी? अरे
लेकिन उन 5 हफ्तों का क्या जो 2 हफ्ते पहले बताए थे? जनाब सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस 2 हफ्ते और जोड़ लीजिए। तुमने तो कहा था कि 6ठा हफ्ता पॉसिबल ही नहीं है। अब उन्होंने बीमारी के खिलाफ ही मुहिम छेड़ दी है ना, तो मैं क्या करूँ? हेलो, माफ कीजिए आपको इस वक्त फोन किया, कुछ कहना था आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में मैं आपके और आपके परिवार के साथ हूँ। कैसे बताऊं उन्हें? ठीक है, बता देता हूँ, वही ठीक रहेगा। हाँ अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? हेलो हेलो सर, आपकी बहुत लंबी उम्र है सर। मैं बस आपको फोन करने ही वाला था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उतने में आपका फोन आ गया सर। देखिए देखिए, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आपके इस गम को आपके साथ बांट सकता हूँ। आप मेरे साथ बात कीजिए। दरअसल डैडू झूले पर बैठे बैठे बेहोश हो गए थे, तो हमें लगा कि वो झूल ही गए हैं। हाँ, आपने वीडियो कॉल पर मुझे दिखाया था कि आप उन्हें अस्पताल ले गए थे, पर ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। यू आर राइट सर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाऊँ तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। जब हम फोन पर बात कर रहे थे ना, तो बीच में आकर नर्स ने बैड न्यूज सुना दी। हाँ, ये मैसेज भी भेजा था, मैंने आपको फोन किया था कंडोलेंसेस देने के लिए। हाँ, आपका कंडोलेंस मैसेज आया था, उसके बाद ही तो डॉक्टर ने आया था वो। क्या लगता है, ये पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रहे हो? सर जी, सर नहीं, आपसे नहीं रमेश, जरा एक मिनट होल्ड कीजिए। सर मामूली सी गलती थी, और अब तुम्हारे लिए ये छोटी सी गलती है। तुमने खुद देखकर कंफर्म क्यों नहीं किया? और तो और, तुमने मुझे उस झूठ पर यकीन दिला दिया जिस पर तुम्हें यकीन था। तुमने मेरे जज्बात से खिलवाड़ किया, बहुत बड़ी गलती की तुमने। अरे अरे, ये तो मेरी वाली सिचुएशन है। तुम एक मामूली से प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी गलती कर सकते हो, क्या गारंटी है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट को तुम तबाह नहीं कर दोगे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं सर जी, मैं ऐसे जैसे मुझे अपनी गलती का पता चला, मैंने आपसे माफी मांग ली। और यही वजह है कि मैंने तुम्हें मारने के बजाय सिर्फ नौकरी से निकाला, वरना मेरी बंदूक की एक गोली तुम्हारे जिस्म को छलनी कर चुकी होती। सॉरी रमेश जी। सर वो तो कह रहा है कि छोटी सी गलती है। मेरे पापा ने छोटे से कॉकरोच को भी बंदूक से मारना सिखाया। मैं गुनाहगार को मारने के बाद यह तय कर लेता हूँ कि कहीं वो जिंदा तो नहीं बचा। अच्छा, सर पे सरिया मार देता हूँ। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी, गलती करने वाला अपना भी हो तो उसके साथ ऐसा सुलूक करता हूँ आप सोच भी नहीं सकते रमेश जी। आई एम फीलिंग दैट सर। बहरहाल रमेश जी, आप क्या कह रहे थे, नर्स के बाद डॉक्टर ने आपसे आकर के कुछ कहा? कुछ नहीं सर, जो नर्स ने हिंदी में कहा था वो डॉक्टर ने इंग्लिश में कह दिया। योर डैड इज नो मोर, रखता हूँ सर। ये बताना क्या चाह रहा था और बता क्या रहा है? लगता है पिता की मौत के बाद थोड़ा सा बौखला सा गया है वो। चाचा, ऐसे बेटे को छोड़कर आप कहाँ चले गए? अरे दद्दू, ये लो करतब। अरे दद्दू, और ये दूसरा। दद्दू रुको। दद्दू
कौन सी जड़ी बूटी खाली? भगवान ने ना सिर्फ मुझे इंक्रीमेंट दी है बल्कि वक्त का बोनस भी दिया है। आप तो बस मजे करने हैं। मरने की प्रतीक्षा में जीने की तमन्ना है मुझे। मुझ जैसा लकी फेलो कोई भी नहीं। तोड़ा। ये आ गई है एंजल आर्ना। नंदू क्या हुआ, ठोक तो नहीं दिया कहीं? ओह ये है, तुमने तो कमाल कर दिया। सुबह सुबह साइकिल पर एंजल आर्ना को ढूंढने निकल गए और इस काम में दादाजी को भी लगा दिया। इसने कुछ नहीं किया, ये सब मेरा आइडिया है। अरे रहने दो आप, मैं जानती हूँ ये सब मेरे लिए है। एंजल आर्ना से मिलना था इसलिए आपको लाया है। शायद इसने प्लान बताया नहीं। कहाँ खो गए दादाजी? मैं आपको बताती हूँ ना, ये साइकिल पर इसलिए घूम रहा है ताकि मेरा पीछा कर सके आपके साथ। क्या प्लान बनाया है? क्यों रे दद्दू, ये सिर्फ भैंस और बकरे नहीं पालती बल्कि गलत फहमी भी पालती है। इसको ये भी लगता है कि इसी की वजह से इस गांव में सूरज रोशन होता है। अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो टुक टुक वीडियो की कसम खाओ और कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे फोन के सारे ऐप उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। अरे बता देना, कम से कम हमेशा के लिए फ्री तो हो जाएगा। क्या परेशानी है, दद्दू की पसंद है ना इसलिए चुप बैठा हूँ। आओ अब तो तुम समझी ना कि हजारों मील दूर का सफर तय करके यहाँ आने का मेरा मकसद सिर्फ तुमसे शादी करना नहीं। मुझे पता है तुम दादा के लिए आए हो, एक बार कह दिया ना समझ में आता है। अरे दद्दू मेरे लिए अहम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फालतू हो। तुम सिर्फ उन्हीं की पसंद नहीं बल्कि मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद हो, इसीलिए तो बात शादी तक पहुँचाई है। दद्दू के बाद तुम ही मेरी जान हो। अब तुम बातें बना रहे हो, पहले सबने मुझे बनाया, अब लग रहा है कि सबने बुद्धू बनाया मुझे। अगले लोगों की बातों में आके झगड़ा किया जाता है, मोहब्बत थोड़ी की जाती है। मैं तुम्हारी दिल की गहराई में रहने लगा हूँ। प्यार का अकाउंट खोल चुका है ना? अब तो सब्सक्रिप्शन भी ले लिया। पर का क्या मतलब, सच बयां कर दिया है तो अब मुझे छोड़ के जाओगी? ऐसे कैसे छोड़ दूंगी, अरे अनलिमिटेड वैलिडिटी ली है मैंने। एंजल आर्ना की रील्स की ना मिसाल देते हैं लोग, 10x में भी देखोगे तो भी मेरे रील्स में कोई गलती नहीं दिखेगी। और तुम कह रहे हो मैंने जिंदगी में गलती कर दी? छोड़ो, देखो हमारे टुक टुक वीडियोस को कितने लाइक्स मिले, वायरल कंटेंट बना है, हम कितनी अच्छी टीम है। अरे मैं नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं। इतना अच्छा फीडबैक देकर मैंने लोगों से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे साथ लाइव डुएट करूंगी, प्रॉमिस किया था मैंने। अरे सब करेंगे पगली, टेंशन मत ले। अब मुझे नहीं करना, जाओ। अरे मेरी बली मलाई, गुस्सा हो गई। चल अभी वीडियो बनाते हैं, ठीक है? रघु रमैया तो हमारे हैंगआउट ग्रुप से विदा ले रहा है, ध्यान दिया क्या? हाँ ध्यान तो दिया, जब इनके घर पर महफिल चल रही है फिर ये हमारे साथ क्या करेंगे चिन्ना? सही कह रहा है नागार्जुन। इनकी तारीफ, कौन है ये? ये सब मेरे अकेलेपन के दोस्त हैं। पैसा जायदाद बहुत है इनके पास, लेकिन इनके घर पर इनसे बात करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़े इनके जैसा हूँ, करोड़ों की स्टेट है मेरी, मेरे बेटे हैं, बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, कुबेर भी गरीब है मेरे आगे। तुझे पता है मैं मौत से थप्पी करके किस कारण वापस आ गया? मेरे बच्चों के कारण से। जब तक तुम लोग मेरे साथ हो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुमको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी आत्मा ही चाहती है कि तुम लोगों के साथ रहे, तो मेरा शरीर कैसे साथ छोड़ सकता है? तुम लोग ही मेरा जीवन हो, और जब तक तुम साथ हो मौत मुझसे आग नहीं मिला सकती। अब जो मैं सरप्राइज देने वाला हूं देखकर हैरान हो जाएगा, चल। अरे रे, जब मैं इनको उछलते कूदते हुए देखता हूँ ना तो मुझे लगता है कि इनके पहले मुझे ही कुछ होने वाला है। चल सरक। जब मैं इन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ तो इनके जोश को देख के लगता है कि अपनी 5 वीक की डेडलाइन को 3 वीक के एक्सटेंशन के साथ तो बढ़ा ही लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब आप क्या करने वाले हैं भैया? मैंने तो 2 हफ्ते इनके मरने के पहले और 2 हफ्ते इनके जाने के बाद की प्लानिंग की थी, और एंड के पूरे 4 हफ्ते मैंने इनके शोक मनाने के लिए बचाए थे। ये तो हरे भरे होते जा रहे हैं, अब मैं यहाँ बैठकर कोई कबड्डी तो नहीं खेलने वाला। तो जाओ ना, किसने रोका है, जाओ। आप ही बताइए, बच्चों को स्कूल जाना है, इनको ऑफिस जाना है, वो सब छोड़ के क्या हम यहीं बैठे रहे? ये क्या कह रही हो, ऑफिस से लीव ली है ना? ओहो भैया जी, हम सब यहाँ पर खुद ही आए हैं तो खुद ही चले भी जाएंगे, यहाँ पर हर कोई बिजी है। अगर सच कहूँ तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बिजी हम ही हैं। ये तो बहुत सही रहेगा, तो तुम ही डैड से पूछ लो। हाँ? हम ही उनसे पूछ लेते हैं कि 1 हफ्ता वो हमारे साथ कैसे सेलिब्रेट करेंगे। लेट्स गो। वॉक लाइक एन एजी। चाचा जी, ये क्या बचपना है,
पहले तरीके से बताइए, उसके बाद रवाना हुई ना। उनकी हालत नाजुक है, इस बात का तो ख्याल रखिए। चलो चलो सब लोग तैयार हो जाओ जल्दी से, रामकृष्ण के फार्म पर जाना है। नेकी और पूछ, इन्होंने तो खुद ही सही जगह और सही वक्त बता दिया है, अब तो धमाका करना बाकी रह गया बस। लेट्स गो। किसी के घर में झांकना मना है। तो दद्दू को कौन बताने वाला है? क्या कहना चाहते हो तुम? भैया ही बात करेंगे ना। इन्हें अच्छे से बात करना आता है, भैया जी ही ससुर जी को समझा सकते हैं। डैडी अब आप ठीक हो रहे हैं तो अब हमें जाना चाहिए, फिर हम सब अपने घर चले जाएंगे। बाप रे, महिला मंडल बहुत चालू है, चालाकी से इनको सूली पर चढ़ा रहे हो। सूली पर कैसे? इनकी चाल समझे नहीं, ये लोग पलटी मार रहे हैं। आपको दद्दू के सामने विलन बनाएंगे और खुद हीरोइन बनके आपके परिवार का पत्ता कट कर देंगी, ताकि दद्दू के हाथों मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट का बड़ा हिस्सा अकेले हड़प जाए। रिटर्न गिफ्ट क्या है और कब देने वाले हैं? देखो ओवर एक्टिंग तो जबरदस्त कर रही है। बेटा बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही, बात छोटी सी है। आप लोगों को चिल्लर में हिस्सा देने के बाद बहुत सारा पैसा बचा था, उससे जो जमीन खरीदी वो 100 करोड़ की हो गई। ये सुनकर भी लालच नहीं जागा तो जाओ घर। 100 करोड़ का है? मैं जानता था भैया, मैंने आपसे हॉस्पिटल में कहा था ना, मैंने। पर वो तो कह रहे थे कि रामकृष्णा का है। रामकृष्णा खरीदार का नाम है। अब आप लोग इतने साल बाद वापस गांव लौटे हो तो वो चाहते हैं आप लोगों की झोली और भर दें, इसलिए वो जमीन को बेचकर आप सबको इतना पैसा दें कि सबके पुछते आराम की जिंदगी जिए। मैंने तो सोचा था आप में से कोई भी इस गोल्डन चांस को अपने हाथों से जाने बिल्कुल नहीं देगा, पर आप सब नुकसान करने पर आमादा हो। अच्छा है भीड़ कम करो, जो भी बचेगा उसकी लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। जिसको निकलना चलो निकलो। ये भाई सुना है तुम लोगों को कुछ बात करनी है? कुछ नहीं डैड, कहना तो वैसे मैं ये चाह रहा था कि आप रुकिए भैया, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं डैडी, भैया ये कह रहे थे कि उनके ऑफिस में कुछ जरूरी काम है तो इन्हें जाना पड़ेगा। ओनली मी नो वन एल्स? पर हम लोग यहाँ है ना, मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, मत रोकिए। भैया अरे किसी का फोन आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ कार में। तुम नेक्स्ट नेक्स्ट। सबसे आपका क्या मतलब है, पहले बताइए हम कहाँ जा रहे हैं। तुम जरा इधर आना, सारा प्लान खराब कर देगी। ससुर जी आप हमेशा मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाते हैं। इसकी एक्टिंग का जवाब नहीं है ना? आप बताओ अपने पिताजी को कोई इस हाल में छोड़ के जाएगा, वो भी ऐसे वक्त में? इसलिए ससुर जी ठीक नहीं हो जाते, हम यहीं रहेंगे और उन्हें नारियल पानी पिलाएंगे। पीजिए ना जी। ये लो। लीजिए ससुर जी, मेरा मतलब है पीजिए डैडी। नारियल पानी लेती। फिसल गया हाथ से फिसल गया। डैड अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो तुम खुशी से जा सकते हो, ये सब लोग हैं ना मेरे साथ, तुम्हें उसमें महसूस कर लूंगा। जा चलिए आइए डैडी। चलिए। क्या वे रिजर्वेशन हो गया है ना, और इजाजत भी मिल गई तो निकल ले। पापा अगर आप टिकट कैंसिल करेंगे ना तो 60% का लॉस होगा, और अगर चले गए तो 100% का लॉस होगा। लेकिन आपने तो कहा था कि यहाँ 4 हफ्ते ही रुकेंगे, कहा था ना? बच्चों की तरह बात मत करो, जब फ्यूचर यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया जाके क्या करेंगे? अब चाहे हफ्ते के हफ्ते लग जाए लेकिन यहाँ का तोहफा लिए बिना नहीं जाऊंगा। भाई लगता है तेरे अंकल की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। Hey, listen to me. आज डैड के सामने जो मेरी बुराई हुई है, अब देखना कल से हम उनकी ऐसी देखभाल करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया जाते वक्त हमारा पैसों से भरा बैग औरों से ज्यादा भारी होगा। जस्ट वेट एंड वॉच। चापलूसी शुरू। अरे सरप्राइज क्या है, जल्दी से बताओ ना। अरे सरप्राइज को पता था क्या पगली, कुछ सोचा होगा? थोड़ी देर में हम सबको पता चल जाएगा। तुम्हें साथ लाए हैं ताकि तुम भी समझ जाओ कि ससुराल वाले कैसे। अरे तू इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है, तुझे क्या लगता है ये सब सिंपल है? ये एक ऐसा तोहफा है जो दुनिया के किसी भी डैड को उनके मरने के पहले उन्हें नहीं मिला होगा। फुल मजा नहीं लाइफ छे। क्या आउट ऑफ द बॉक्स आईडिया, टुक टुक वीडियो बनाऊं मैं इसका, बहुत मजा आएगा, बल्कि तो वायरल हो जाएगा। इतनी भी खुशी की बात नहीं है, कहीं समाधि इसने पहले ही तो नहीं बना दी। सरप्राइज, आश्चर्य, ताज्जुब।
ये क्या है? ये आपकी समाधि है डैड, इट्स ग्रेव यू नो। इसके बनाने की वजह है कि आप माँ के बगल में सोकर शांति से रहें, शाम में प्यार भरी बातें करें और वक्त का तकाजा ही ना हो। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद आप माँ के साथ रहें खुशी खुशी। आपसे मेरी यही विनंती है। कैसी है मेरी सोच डैड? अरे बहुत अच्छे। थैंक यू आई नो। सोच कह रहे हो, वो ट्रोल कर रहा है और तुम कुछ बोल नहीं रहे। चाचा जी होश में तो हो, मरने से पहले ये सब क्या कर रहे हैं आप? So what happened? इनके मरने के बाद हम इनके लिए कुछ करें, इससे अच्छा है कि ये जीते जी देख लें, ताकि ये जब भी वहाँ जाएं अपनी वाइफ को गौर से देखें, रोमांटिक बातें करें, एडवेंचरस बातें करें, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। गहरी सोच में डूब गए, आपको डिजाइन पसंद नहीं आई? मुझे बताइए आपको पसंद नहीं आई तो मैं दूसरे टाइप की बनवा दूंगा। समाधि भी अलग अलग टाइप की होती है। मिस्टर आरपी, शो द मैजिक, शो द मैजिक। अंकल जी ये कोई समाधि नहीं, बच्चों के खेलने का स्लाइड लग रहा है। वही तो मैं कहना चाहता हूँ, मम्मी और डैडी, मम्मी और डैडी का खेल, मम्मी और डैडी सरकते हुए खेलेंगे। अरे आपको मजा नहीं आया क्या? अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसमें मजे के मारे आप मर भी सकते हैं। शो शुरू करो। स्टार देगा? पर ये तो अवार्ड फंक्शन लग रहा है, समाधि थोड़ी ना। एग्जैक्टली वही तो मैं कहना चाहता हूँ। हाँ तो एंजल आर ना, अगर तुम्हें इस लोकेशन प्रिपरेशन या डेकोरेशन से इंस्पिरेशन मिल रही है तो टुक टुक वीडियो बनाओ, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। शांत हो जाओ डैडी, एक मिनट। मैं आपकी समाधि के लिए एक शिला फलक भी लाया हूँ, तैयार? जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान कभी नहीं देखा। स्वर्गीय रघु रमैया जी, जन्म 10/1/1942, मृत्यु तारीख के लिए अभी वेटिंग, लेकिन महीना और साल कंफर्म है। जैसा कि आप लैंग्वेज को लेकर बहुत सजग रहते हैं, तो कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो तो प्लीज एक बार देख लीजिए ना, कोई गलती तो नहीं। कमाल है आप, जो अपनी ही समाधि का सिलेक्शन कर रहे हैं, बेमिसाल। लगता ही नहीं कि 2020 है, 2050 लग रहा है। मैं हमेशा 100 साल आगे की सोचता हूँ, आगे। डैड आपको अच्छा लगा ना, आप खुश तो हैं? बोलिए ना डैड। बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हारी इच्छा है कि मैं और तुम्हारी माँ एक साथ रहे, लेकिन जीते जी समाधि देखने में मुझे मजा नहीं आया। मैं समझ सकता हूँ। मेरे मरने के बाद जहाँ चाहे बांध देना। ददू आप दिल छोटा मत करो, ये तो कुछ भी बोलते हैं। चापलूसी का एग्जाम हुआ ना तो चाचा जी को कोई कभी 0 भी नहीं देगा। अगर तेरी खाना बनाने वाली चाची को पता चल गया कि वो शिद्दत से उनको इंप्रेस करने में लगे हैं तो क्या मतलब? डैडी ये देखिए, डैडी देखिए ना डैडी। ये क्या है बेटा? इस लिस्ट में वेज और नॉन वेज मिलाकर 108 किस्म के खाने, इन्हें देखकर बताइए ना। खाने के बारे में बात करना जरूरी है। अभी के लिए नहीं भाईजान, जब ये ऊपर चले जाएंगे मैयत की दावत के लिए। अरे यार ये तो हद ही कर रहा है। ये समाधि के सैंपल दिखा लाया और तू 13वीं का मेन्यू दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है ये बॉल जबरदस्ती बाहर निकल कर तेरा सर फोड़ेगी। क्यों, ऑस्ट्रेलिया वालों को तरकीब सोचती है? मेरी बेगम क्या किसी से कम है? तो इसकी कारस्थानी है क्या? हुआ आप लोगों को सदमा क्यों लग गया? अभी तो और भी है, अभी बताता हूँ। डैडी मेरे साथ चलिए, आइए 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 आइए। अंतिम यात्रा की ये बस है, डेकोरेट भी किया है इसको। देखिए डैडी हाँ। आपका छोटा बेटा शान से आपका जनाजा निकालेगा। सबसे उम्दा फूलमाला, जरा सोचिए इसे पहनकर जब आपका जनाजा शहर का चक्कर लगाएगा मजा आ जाएगा। पास आकर देखेंगे ना, तो मैंने गद्दे भी लगवाए जिससे लेटने में आपको कोई तकलीफ ना हो। स्ट्रीट बेकर भी आ गया ना तो आपका जिस्म नहीं हिलेगा, आपका आखिरी सफर सुकून से बीतेगा। इन्हें पूरा शहर घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छी तरकीब है, कोई बुराई नहीं। डैडी को भी ये पता चल जाएगा कि लेटने के बाद वो कैसे लगेंगे, मरने के बाद तो देख नहीं पाएंगे। डैडी एक चक्कर लगाते ना डैडी, चलिए ना डैडी। अरे पागल है क्या, ये कैसी बातें कर रहा है? अगर ये आइडिया तेरी बीवी का है ना तो वो भी जल्द ही आकर कुछ जरूर करेगी। ये क्या छुपाया? कुछ भी तो नहीं। मैंने नहीं छुपाया, तुमने कुछ? कुछ नहीं भैया जी। दिखा दिखा दिखा, मैं कह रही हूँ ना। अरे दिखाओ मुझे अन्नपूर्णा माता, दिखाओ मुझे। ईश्वरीय तो गंगा जल लेकर आ गई है, गोविंदा गोविंदा। मुझे दे दीजिए भैया जी, मरने के बाद पीना है तो अभी टेस्ट कर लेते हैं ना, अगर उन्हें टेस्ट पसंद नहीं आया तो उनके टेस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे कर लेंगे, है ना? तुम क्यों मुंह खुला करके मुझे देख रहे हो? तुम्हें टेस्ट करना है?
हे भगवान, मेरे मुंह में क्यों डाल रही हो? जब मैं ऊपर चला जाऊंगा तब मेरे मुंह में डालना, बेवकूफ औरत। थू, अब ये मुझसे सहा नहीं जा रहा है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों डैडी, आपको ये पसंद नहीं आया? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तेरी बेवकूफी पर हंसूं या रोऊं। जा पहले वापस करा सब। हे गोविंदा। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ दामाद जी, मैं जा रहा हूँ। भाईजान सुनिए ना, आपको घर की तरफ ही जाना ना, बस भी वहीं जा रही है, बैठ जाओ। इस गाड़ी में क्या? कुछ नहीं, मैं पैदल चला जाऊंगा, चलता हूँ। अरे सुनो तो, अरे इनको ड्रॉप कर दो। डैडी, मुझे लगा आप डाइनिंग टेबल पर खाएंगे, इसीलिए मैंने सबको डाइनिंग टेबल पर बुला लिया, और आप यहाँ अकेले बैठे हैं। चलिए डैडी, और वैसे भी डैडी हम सब यहाँ आपके लिए ही आए हैं, और आपको लगता है कि हम आपको अकेला छोड़ देंगे? आप मेरे साथ आइए। डैडी खाइए ना। ये सब क्या है बेटा, इतना सारा खा लिया तो फिर? अरे डॉक्टर ने कहा है आप सब कुछ खा सकते हैं, आप आराम से खाइए, खाइए ना डैडी। हाँ खिलाओ इन्हें, खिला खिला कर मार दो, उसके बाद बहुत सारे काम पड़े हैं ना, पिकनिक जाना है, शॉपिंग करनी है ना? देखो डैडी, मैं तो बस आपको प्यार से खिला रही थी, और भैया ये कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात है बेटा? ये तो अच्छा है कि आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, वरना ये उसको भी खाना खिला खिला के मार देती। बहुत पगला गया है, देखो मैं खा रहा हूँ, बेटी ने जो कहा है। और आपकी बहू? नहीं ना, कोई नूर हीरा, मालपुए से मीठी। इसे क्या हुआ? ए, ये थाली लो, टेबल के नीचे बैठ के दोनों गप्पा गप खा लो। शरम कर बेशरम, ऐसी सिचुएशन में भी सुबह से लगे पड़े हो, यहाँ पर किसी के मुंह में एक निवाला तक नहीं जा रहा, और तुम सुबह से निवाले पे निवाले दिए जा रहे हो। यहाँ सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं और तुम लोग इनके सामने कैसी हरकतें कर रहे हो? हाँ भैया जी, अभी तक इनका हनीमून बाकी है ना। हाँ लेकिन फिर भी इनको ये टेबल के नीचे ऐसे कर रहे हैं आप? अरे इसने तो उस डेकोरेटेड शव वाहिनी का भी फायदा उठा लिया है, क्या समझता है अपने आपको? इसको दिखाना चाहता है कि मुझसे बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है, इसके साथ साथ कहीं हम सबको भी तो इम्प्रेस नहीं करना चाहता है, क्या चाहता है ये? पापा आप जब स्क्वीज बॉल नहीं दबाते ना तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ये लो दबा दे रो, चलो। अरे खाना खाऊं कि एक्सरसाइज करूं, क्या बातें कर रहा है तू, सब के सब बेहूदी बातें किए जा रहे हैं। इसे भी इसी वक्त आना था, अमेरिका से परेशान करेगा मुझे, वो भी इंग्लिश में। चल हटना, काश इस बॉल की जगह उसकी गर्दन होती। हेलो हाउ आर यू सर, आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मेरे डैडू जिंदा और मेरे बेटे ने सगाई कर ली? रमेश जी आप हैं वहाँ? हाँ सर। सच्चाई छुपा क्यों रहे, मैं जानना चाहता हूँ। पिता की मौत को आप सीने में दबा क्यों रहे हैं, और इतनी जिंदा दिली और एनर्जी और खुश मिजाजी के साथ बात क्यों कर रहे हैं? बोलिए रमेश जी। यू आर राइट, सही कह रहे हैं सर। सुनिए, आप अपने हालात को संभाल नहीं पा रहे हैं रमेश जी। क्या कर रहे हो, खाने तो खा लो यार। क्लाइंट कौन है? उसे कहो खाना खाने के लिए आ जाओ जल्दी। अरे प्लीज यार चुप हो जाओ ना। अरे उसे बोल तू भी खाना खा ले, बाद में फोन कर। ये कौन है? अरे आजा। हेलो कौन चिल्ला रहा है? जी सर। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तुम्हें पापा की कमी ना खले इसलिए अंकल तसल्ली देने के लिए वहाँ आए, मैं समझ सकता हूँ। क्यों यही बात है ना? क्या बात है सर, आप तो अंतर्यामी है, क्या बात है। आप एक बहुत अच्छे बेटे हैं रमेश जी, दरअसल मेरी बेटी आपके बेटे से बात करना चाहती है। लड़की तो उसके पास में बैठी है सर, I mean... क्या कहा? नहीं नहीं सर, वो क्या है कि घर में सब सदमे में चल रहे हैं और मेरा बेटा भी सदमे में ही है, इसलिए अगर आप कहें तो मैं कुछ देर बाद आपसे बात करूं सर। अरे इसे फोन काट दिया। सुनिए जी, अजीब आदमी है, अगर उनकी इतनी परवाह है तो जाके उनके गम में शामिल हो जाइए, लेकिन हमारी बेटी बात करना चाहती है, ये बात कह के उन्हें खराब महसूस मत कराइए, और जब हम ये संबंध जोड़ ही रहे हैं तो हमें उनके गम में शामिल होना चाहिए, न कि बहाने बनाने चाहिए। मैं उन्हें कॉल करके बताता हूँ। उनके घर में डेथ हुई है तो बता के नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट जाना चाहिए। सही कहा। I miss your dad.
पापा अच्छी तरह ले जाओ। सुनिए पापा, घर से अस्पताल नहीं जाया जा रहा। सुबह सुबह कहाँ पर चले? हैदराबाद में किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं। सेकंड ओपिनियन लेना हमेशा अच्छा ही रहता है। यहाँ के डॉक्टर्स पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, बस इसीलिए जा रहे हैं। आज तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेटे का फर्ज निभा रहे हैं, आपकी तबीयत का ख्याल रख रहे हैं। फादर्स डे का गिफ्ट है ये, समझ रहे ना? डैडू चलो ना। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये देख के मैं फ्लैशबैक में चला गया, कैसे पापा सबको बाहर घुमाने ले जाया करते थे ना। देखना आज तेरे दद्दू की आंखों में वही यादें दिख रही हैं। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे ना, वो तो मैं जैसे तैसे एडजस्ट कर ही लूंगी, लेकिन अगर तुम्हारे पापा की भी वही मेंटालिटी है ना, तो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं क्या मतलब? अरे देखो, तुम्हारे दादाजी के मरने के लिए इतने वीक्स पहले से टाइम गिन रहे हैं। सोचो अगर कल को मेरे दादाजी को कुछ हो गया तो ये तो मुझे आने ही नहीं देंगे, चाहे दुनिया में उथल पुथल हो जाए। एक बार मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, पर अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ूंगी। सबसे पहला नंबर आता है मेरी फैमिली का और उनके इमोशंस का। तुम्हें पता है मेरे घर में अब भी सब लोग जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं, तुम्हारे घर जैसे नहीं है। मेरी परी, दिमाग है नहीं तो खर्च मत करो। मेरे पापा को अपने पापा पे प्यार आ रहा है, इसलिए डॉक्टर के पास ले गए हैं। सालों बाद पापा ने बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से दद्दू के लिए कुछ किया। महेश को गवाह बनाकर भेजा है मैंने, वो आएगा तो उससे पूछ लेना। महेश? हाँ। जरा देखो, वह अकेले बैठकर प्रसाद ठूस रहा है। अरे महेश, तू यहाँ पर कैसे? कब आए तुम लोग? पापा दद्दू को कहीं ले गए हैं क्या, या घर पे ही हैं? क्या आप जानते नहीं हो? पता है तुम्हारे पापा तुम्हारे दादा को हॉस्पिटल क्यों लेकर गए थे? देखिए, बात यह है कि मैं यहाँ ये जानने के लिए आया हूँ कि डॉक्टर ने जो डेट दी है वो सही है कि नहीं। अगर सही है तो मुझे जल्दी यूएस जाकर वापस आना पड़ेगा। मेरे ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है डॉक्टर, ऐसे नहीं चल पाएगा। देखिए, इस बार मैं लौटूं तो वो वेंटिलेटर पर ही होने चाहिए, अगर नहीं रहे तो सारी प्लानिंग चौपट हो जाएगी डॉक्टर। देखिए सर, आपके पापा की सेहत उन्हीं के हाथ में है। अगर वो ऐसे ही खुश मिजाज रहे तो शायद उनकी जिंदगी और थोड़ी बढ़ जाएगी। बाकी अगर वो कमजोर हो गए तो उनका जल्द ही इंतकाल हो जाएगा, और अगर उन्होंने तुम्हारी ये गुफ्तगू सुन ली तो वो शायद फौरन मर जाएंगे। शायद आप मेरे डैडू को जानते नहीं हैं डॉक्टर। अरे, तेरे चाचा चाची को तो तेरे पापा से कंपेयर भी नहीं कर सकती, वो तो देवता है, देवता। डैडू, ऐसा लगता है अंदर बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। दादाजी, देने वाले हैं बेटे और बेटियों को एक जैसा दीजिएगा, और अपने पोते और पोतियों को भी एक जैसा दीजिएगा। ससुर जी, अगर आप हमारे वजन के हिसाब से बैग का वजन बढ़ा दें तो मजा आ जाएगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, वैसे भी सामान का वजन आपसे एक किलो ज्यादा है। तुम लोगों को सरप्राइज नहीं पता ना? मुझे अभी पता चला कि श्रव्या प्रेग्नेंट है, अभी अभी कंफर्म हुआ है। कांग्रेचुलेशंस। डैडी, डैडी, तो कंफर्म हो गया कि दूसरा जन्म आप श्रव्या से ही लोगे। अरे ये तू क्या कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या भाई, तुम समझते नहीं, डैडी अगले महीने तो मर ही जाएंगे और श्रव्या के तीसरे महीने में पहुंचते ही बच्चे में जान आ जाएगी, और दोनों इवेंट की टाइमिंग तो एक ही है। इस तरह डैडी की आत्मा यामा नहीं भटकेगी और वो सीधे श्रव्या के बच्चे के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब आफ्टर 9 months मैं डैडी का नन्ना बनने चाहूंगा, नन्ना बनने चाहूंगा, नन्ना बनने। सुनो, मतलब डैडी सच में उसके पेट में है और क्या? और नहीं तो क्या, डैडी हैं। आप चाहो तो हाय बोल सकते हो, हाय बोलो। अरे बाप रे, डैडी। अरे जरा धीरे, जरा प्यार से बोलो ना। ससुर जी, अंदर कैसा लग रहा है? तुम खामोश रहो ना, बाहर हमें इतनी गर्मी लग रही है तो अंदर बेचारे कितने बेचैन होंगे। अब सुकून मिला डैडी? यही वो अजीबोगरीब चीजें हैं जो प्रकृति हमसे करवाती है। क्या लगा रखा है, शर्म करो और दूर हटो उनसे। क्या कर रहे हो?
अब मैं जो कुछ भी कहूंगा उसे गौर से सुनना सब लोग। दद्दू ही वो इंसान है जिसकी वजह से हम सब लोग आज एक साथ खड़े हैं। हम इतने मसरूफ रहते हैं कि किसी के लिए भी वक्त कभी नहीं निकालते। पैसे कमाने के चक्कर में हम लोग कमाई हुई यादों को गवाते जा रहे हैं। इस भागदौड़ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए आज हम सब मिलके दद्दू के सामने कसम खाएंगे कि कयामत तक हम उनके जन्मदिन पर यहाँ जरूर मिला करेंगे। आओ सब मिलकर वादा करते हैं, बोलो मंजूर है? क्या बात है, रहने दो। देखिए तालियां बजा रहे हैं ताकि प्रॉमिस नहीं करना पड़े। बात तो अच्छी की ना बेटा, तूने मेरे मन की बात जान ली, तू ही मेरा असली वारिस है। आ, मैं तुझे कुछ सौंपना चाहता हूँ। डायलॉग सुना के जायदाद हथिया ली। अब हमारा क्या होगा? अपने भाई से जाके पूछो, एक्स्ट्रा बॉल है क्या, उसे दबाते रहो। भाईजान आपके पास एक्स्ट्रा बॉल है? बॉल उसके पास है। क्या हुआ, बॉल नहीं है क्या? माफ करना। अबे, 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 इसको कह दे कि मैं यहाँ नहीं हूँ, नहीं हूँ, बोल दे। हेलो बोलिए। रमेश जी सर तो नदी के तट पर पूजा कर रहे हैं। अच्छा समझ गया, पिंडदान कर रहे हैं। ठीक है मैं बाद में कॉल कर लेता हूँ। पूजा को पिंडदान कह रहा है, कौन है ये आदमी? देखो इनका हस्बैंड मैं हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड ये है, अमेरिका में रहता है। हर 10 मिनट में मुझे कॉल करता है ये जानने के लिए कि सब कुशल मंगल है ना। इतनी जानकारी काफी है या और कुछ भी बताऊँ? ला मेरा फोन इधर दे। भैया क्या नाक पे गुस्सा रखते हो? अरे नहीं तो क्या नाचू मैं? $10 मिलियन की डील छोड़कर यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आया हूँ मैं। बोल, सारे के सारे उल्टे काम मुझसे करवाए जा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं पता नहीं है। मुझे तो लगता है ये पूजा पाठ कर्म कांड करके डैडू अपनी उम्र को एक्सटेंशन दे रहे हैं और हम यहाँ गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं। भैया मुझे ऐसा लगता है कि डैडी बाहर से बहुत फिट लग रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत वीक हो चुके हैं। सिंक री एंट्री भैया। पोते से मृत्युंजय यज्ञ करवा के 25 साल और जीना चाहता है। वारे इस उम्र में जिस्म और शोहरत से प्यार क्यों है? छोड़ दे ये सब, छोड़ दे, यहाँ रह नहीं सकता और जा भी नहीं रहा है। हाँ उम्र का भी कोई तकाजा होता है। हालात तो कह रहे हैं कि तू 25 दिन भी नहीं जी पाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये सिंह ब्रदर्स की भविष्यवाणी है। भैया देखो ना क्या सिंक में बोलते हैं ना दोनों। महेश पानी ला। अब तो इन्हें गंगा का पानी पिलाओ, वही पिएंगे और निकल जाएंगे। घर के लोगों ने पहले से ही मिला दिया होगा ना? का नाम लेने वाले को मैं खुद कब्र में गाड़ दूंगा। डोंट ओपन, ही इज ओपनिंग। ये घंटी बज गई है, चलो सुमड़ी में से चुपचाप निकल लेते हैं। लेट्स गो। चलो डैडी घर चलते हैं, यहाँ तो मारामारी हो रही है। अरे अरे बैठ जाओ, फाइट सीक्वेंस देख के ही जाते हैं। क्या मार रहा है? जय
जितने सलीके से हमारे आदमियों को पीट रहा है लगता नहीं है कि ये गुस्से में है। कहीं ये हम पे अपना फैमिली फ्रस्ट्रेशन तो नहीं निकाल रहा है। जबरदस्त। नीचे उठा, नीचे उठा। लगता है कि अब उसका निशाना हम लोग हैं ब्रो। अब सिंह गया खड्डे में, भागो। चलो इंटरवल हो गया है, उनको सूचने के बाद वो भी खड़ा आ जाएगा। चलो रुको, मत मारो। आज के बाद हम तुमसे और तुम्हारे परिवार से पंगा नहीं लेंगे, वरना हम सिंह में रहते हैं, तुम हमें ढूंढ के हमारी जान ले सकते हो। ओके ब्रो, लेट्स गो। हाँ हाँ, थोड़ा संभल कर करना। तुमसे बात करते हुए मैं नारियल खा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लाइट ले लो। देखो, इस प्रोजेक्ट में मेरा सब कुछ लगा हुआ है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना तुम? भैया, आपका दोस्त अंदर बैठा है। यहाँ मेरा कौन सा दोस्त आ गया? ये आदमी जो फोन पर पूजा को पिंडदान कह रहा था, अमेरिका वाला आपका दोस्त, जाइए अंदर बैठा है। अमेरिका से? ये यहाँ क्या कर रहा है? लो, आ गया अपना घर। चलो, डैडू भी आ गए। मर गए। अरे, ये तस्वीर को माला चढ़ा रहा है। तुम लोगों के लिए अंदर एक सरप्राइज है। अरे कोई सरप्राइज वरप्राइज नहीं है। देखिए, शादी में अब कुछ ही दिन बचे हैं, सब लोग शॉपिंग करके आइए ना। जाइए। हाँ, बिल्कुल ठीक, जाओ जाओ। नहीं 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 डैडू, आपको भी जाना पड़ेगा, आप घर के बुजुर्ग हैं, आप सबको शॉपिंग कराएंगे तो अच्छा होगा। नमस्ते सर, वेलकम टू इंडिया। आप महान हैं रमेश जी, मतलब मैं क्या कहूँ, आप माला को गिरने तक नहीं दे रहे। लगा दीजिए, अपने हाथों से लगा दीजिए। ये कुकृत्य मुझसे करवा रहा है ये। प्लीज सर, आइए आइए। रमेश, आप मेरे लिए एक मिसाल हो। अरे संभालिए, अपने बेटे के लिए भी एक मिसाल हो सर। आपके पिता आपके बेटे की शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सर बहुत दुख हुआ मुझे सर। बैड लक, अगर आज वो हमारे बीच होते। क्या हुआ सर? नमस्ते भाई साहब, ये तुम्हारे दोस्त है। मैंने लड़के वालों को भी बुलाया है, एक बार साई और उसके मंगेतर आ जाए तो दोनों का शॉपिंग साथ में ही कर लेंगे। सर असल में थोड़ी गलतफहमी हो गई सर, बाकी गलतफहमी हो गई। क्या वजह थी कि आपने बाप को मार दिया? नहीं सर, बहुत बड़ी गलती हो जाती। एक बात बताओ, हमारे घर में देवी देवताओं की फोटो नहीं है, सिर्फ मेरे पेरेंट्स की फोटो है। उनका आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई काम नहीं करता, और तुमने एक जिंदा इंसान की तस्वीर पर मुझसे माला चढ़वा दी। कैसे इंसान हो तुम? मुझे क्षमा कर दीजिए सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे अरे, क्या कर रहे हो बेटा? अगर जानता तो ऐसा कभी नहीं करता। इसने मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप करवा दिया। एक तो मुझे बिना इत्तला किए अपने बेटे की शादी करवा रहा है, और दूसरी तरफ लोगों से कह रहा है कि पिताजी का देहांत हो गया। किस तरह का इंसान है ये? बड़ा ही घटिया इंसान है ये। देखो, ये तो मेरे बुजुर्गों की दुआ मेरे साथ है कि रिश्ता जोड़ने से पहले मुझे इसकी असलियत पता चल गई। देखो बेटा, ऐसा मत कहो, ये दिल से बुरा नहीं है, पर पता नहीं इसने ऐसा। अंकल प्लीज, अब आप कुछ मत कहिए, इस पर कभी यकीन मत कीजिएगा। भगवान ना करे आपको कभी कैंसर हो जाए तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके घर में ये जो आपका बेटा है वो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, यकीन मानिए अंकल। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको लंबी उम्र दे। फिर से आपसे माफी चाहता हूँ, चलता हूँ।
सर वो अरे साई, मुझे जरा एयरपोर्ट ड्रॉप कर दोगे? आइए बैठ जाइए। ठीक है, बेटा मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारे साथ मौजूद है। आपका लाख लाख शुक्रिया डैडो। क्या आप जानते हैं इतने दिन हफ्ते जिंदा रहकर आपने क्या हासिल किया है? अपने बेटे की बर्बादी। जी हाँ, मेरी बर्बादी। इतने सालों में मैंने जो दौलत शोहरत हासिल की थी बस कुछ ही पलों में तबाह हो गई। जीरो से शुरू किया था, जीरो पे ला दिया आपने। मैंने आपको बाहर जाने के लिए कहा था लेकिन आपने अंदर आकर मुझे जलील करना बेहतर समझा। क्यों, सांप सूंघ गया क्या? मैं आपको कब से देख रहा हूं, आपने मेरे बेटे की भावनाओं से खेल खेला और मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। उसकी शादी की प्लानिंग पर पानी फेर दिया आपने। अरे आपने अपने सारे बच्चों की शादी अपनी आंखों से देखी है, काफी नहीं है? देखिए जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ना तो वो एक जिंदा लाश है। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, नथिंग न्यू इन इट। आपने एक छोटी सी बात को एक राई जैसी बात को पहाड़ बना दिया है और अब अपनी इस मौजूदगी की खुशियां मनाए जा रहे हैं। क्या चल रहा है ये सब है? 70 साल तक दुनिया भर की खुशियां मना चुके हैं आप और अभी भी जिज्ञासाएं खत्म नहीं हुई। सुनो, तुम सब एक बात जानते हो क्या? इन्हें लगा कि हम सब इन्हें छोड़कर चले न जाएं तो इन्होंने मेरे बेटे को फुसलाकर एक नाटक रचा और उससे झूठ बुलवाया ताकि हम सब लोग कहीं न जाएं। अब ये कठपुतली की तरह हमें नचा रहे हैं, कभी शादी कभी पूजा, ये सब नाटक चल रहा है। डैडू आपके आखिरी दिनों में आकर हमने गलती कर दी। हा, हा, हा। बहुत अच्छा लेसन दिया आपने हमें। मुझे एक शक हो रहा है, जब भी आपको कहीं जाना होता है तो आप एक मिनट भी देरी से नहीं पहुंचते, तो डैडू इस बार देरी क्यों? What is this? अब आपकी बोलती क्यों बंद है डैडी? बोलिए ना, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? गायत्री, आप बीच में मत बोलिए। बस, आप कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा गला सूख रहा है, मेरा दिल रुकने के लिए कह रहा है। अगर अब एक शब्द भी कहा तो सुनने के लिए जिंदा ना बचूं। अगर तुम लोग यहां नहीं रहना चाहते तो अभी के अभी निकल जाओ। अगर आगे 10 मिनट भी रुके तो शायद आगे 10 दिन भी रुकना पड़ेगा। मेरी बात सुनो और जल्दी चले जाओ। छोड़ो, जाने दो, आगे की जिंदगी बहुत मुश्किल है। चलो जी, इन्हें हमारे सवालों के जवाब नहीं देने हैं। ये सारा ड्रामा मेरे लिए नया नहीं है। अंदर चलो चलो चलो, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे दादा के लिए ऐसा क्या कर दिया कि वो उसे अच्छा बेटा मानते हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर मत चलना, वरना तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भी वही सलूक करेगी। अरे
बेटा, 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 क्या मेरे लड़कों को क्या हो गया? आप अंदर जा सकते हैं, अंदर जो आप ठीक हो गए आप क्या हुआ? दरअसल पापा, दद्दू समझ गया, डैडू नहीं रहे। मैं नहीं आ पाऊंगा बेटा, पिछले 24 घंटे से बिना सोए हम लोग ट्रैवल करते जा रहे हैं, बहुत थकान हो गई है, अब मैं वापस नहीं आ सकता। मुझे तो टेंशन ये हो रही है कि मेरा क्लाइंट मेरे साथ क्या करेगा। डैडू की वजह से जो गड़बड़ हुई वो सब ठीक करनी है मुझे। सुनिए, आप ये क्या कह रहे हैं? आप सबसे बड़े बेटे हैं, क्रियाक्रम आपको करना होगा। बना दिया गया है, कोई जरूरी नहीं होता। अब मैं अगर नहीं आ पाऊंगा तो कोई उपाय करना पड़ेगा ना। मरने वाले के जो सबसे नजदीक होता है वही उसका क्रियाक्रम करता है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलती है। तो मैं चाहता हूँ तुम ये सब हैंडल कर लो, यही मुनासिब रहेगा। तुम्हें तो वो सबसे ज्यादा चाहते थे ना, तो तुम ही कर दो। बड़े भाई ने तुमसे कहा ना, तो तुम ही सारी अंतिम विधि पूरी कर दो। You understand, आज ऑफिस का पहला दिन है, बहुत सारा प्रेशर है। अगर मैंने उनसे कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें 13वीं के दिन मिलेंगे ना। लड़के नहीं आएंगे तो फिर लड़की वहाँ आकर क्या करेगी बताओ? सिर्फ आंसू बहाने के लिए? चारों साथ गए तो ही अच्छा रहेगा। मेरे पति देर रात तक काम करते हैं और बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, ऐसी हालत में आना मुश्किल है। मान लेना हम वहाँ हैं और सारे कार्य कर लेना। क्या बस उन्हीं के पास बहाने हैं, हमारे पास नहीं? हफ्ते भर के लिए आए थे, महीने भर का नुकसान हो गया है और मेरे पति को उनकी शक्ल देखने की जरा भी ख्वाहिश नहीं है। और ये तुम्हारे चाचा नहीं, मैं बोल रही हूँ। मेरा मुँह क्या देख रहे हैं, जल्दी जल्दी काम करो। आज तो बहुत थक गई बाबा मैं। हाँ बोलिए अंकल। हेलो, सारे कर्मकांड ठीक से हो गए ना? हाँ हाँ, अच्छे से हो गया सब। लगता है मेरे नहीं आने की वजह से सब खफा है, ग्रुप पे फोटो भी नहीं डाली, कोई मेरे फोन का जवाब तक नहीं दे रहा है। मेरे बेटे को लग रहा है कि मुझे डैडू का दुख नहीं है। अरे क्या कर सकते हैं, जाके आ गए ना इतनी बार, हम यहाँ आए और वो चल बसे, अब वापस तो नहीं आ सकते ना 15 मिनट में। आपने फोन क्यों किया मुझे अंकल, बताइए। अरे वो आज उनकी 13वीं है ना, तो पिंडदान का कार्यक्रम होगा, तो तुम उस वक्त एक वीडियो कॉल करके हम सबको वो दिखा देना। एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सब दिख जाएंगे तो ऐसा लगेगा ना कि हम मौजूद हैं वहाँ, और उससे डैडू को भी शांति मिल जाएगी। ठीक है अंकल। कितनी देर लगा रहे हैं, सब ऑनलाइन है। आ रहा हूँ। अच्छा अंकल, सब लोग ऑनलाइन तो हो ना? हमारी फोटो पर माला क्यों है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब नहीं है, बल्कि अब तो जाके वो सही हुआ है, आप भी तो यही चाहते थे ना। देखो, अगर तुम्हें डैड को ऐसी इज्जत देनी है तो ठीक है, लेकिन मेरी फोटो वहां से हटाओ। ऐसे कैसे हटा दूं, ये तो सिर्फ शुरुआत है चाचा जी, कल तो आपकी समाधि भी बनेगी, वो भी आपकी ही पसंद की हुई, जो इतनी मजबूत होगी कि हथौड़ा टूट जाए पर वो नहीं टूटेगी।
सुन बेटा, मैं तेरी बुआ हूँ, तू गलत कर रहा है। अरे मेरी क्या गलती है, आप ही की बात तो मानी, सोच लिया कि आप लोग नहीं है। पर लोगों को तो सबूत चाहिए ना, इसलिए मैंने कह दिया कि आप सब लोग डूब के मर गए, अब किसी को दिक्कत नहीं है। ये क्या छोटे चाचा, चाची की बोलती बंद क्यों है, वही तो आपकी स्पीकर है ना। तुझे जरा भी अंदाजा है कि तू क्या बोल रहा है? Stop it now! I said stop it! चाचा जी, प्रेशर मत बढ़ाइए, वरना ये नकली पिंडान असली बन जाएगा। दो दिन बाद सबकी समाधि पर पगड़ी रस्म रखी है मैंने, उसकी फोटो मैं अखबार में छापने वाला हूँ। Hey! बकवास बंद कर! इतनी दूर से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये ऑनलाइन ऑनलाइन करना बंद करो, वरना पिंडान भी डायरेक्ट होगा ऑनलाइन। कहीं तुम वापस जाने की तो नहीं सोच रहे? जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो जो चाहता उसे करने दो। बाप मरा तो जाने नहीं दिया, मेरी मौत पे तू नहीं आएगी। चीप, खुद कर। यहाँ पर तो आपकी समाधि नहीं दिख रही है। तुम्हें हमारी समाधि देखने की बहुत जल्दी है क्या, बेवकूफ औरत? भैया सुनिए, उसे यहाँ फौरन बुलाइए, फैसला आज ही होगा। इसके हाथ में हथियार देखकर तो लगता है कि आज ये पहले सबको दफन करेगा, फिर बैठकर बात करेगा। देखो सब लोग एक साथ यहाँ पर कैसे आ गए? जिस बाप ने पैदा किया उसके मरने पे तो आए नहीं, और खुद की झूठी मरने की खबर पर आ गए। अपनी मौत के लिए बॉस भाई सबको सेट करके आ गए, फोटो के हार के सामने तुम्हारा करियर हार गया, मुश्किल इतनी जल्दी आसान हो गई? बेटा ये सब क्या है? एक बात तो बताओ यार, मैंने इतनी बदतमीजी की, सबसे उल्टी बात की, फिर भी मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं। पर जो बाप प्यार देता था उसे कभी क्यों नहीं समझे? उनकी मेहनत आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, बोलिए। दो वक्त की रोटी के अलावा ऐशो आराम कमाने के लिए इस तरह जुट जाते हो कि भूल जाते हो कि तुम इंसान हो मशीन नहीं। बाप को भूल के सैलरी देने वाले को बाप मानने लगे, इसलिए वो बाप बुरा लगने लगा जो इस उम्र में तुम्हें कुछ भी दे नहीं सकता है। इतनी ओछी सोच हो गई है, अब समझे क्यों मारा? चलो मान लिया वो एक लेजेंड थे, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उनके बगल में बैठे रहें और अपना करियर बर्बाद करके बेघर हो जाएं। चाचा जी हम कई बार लाइन बदलते हैं, यहाँ तक कि नौकरियां भी बदलते हैं, क्योंकि इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है, पर बाप तो एक ही है, अगर वो चला गया तो उसकी जगह कौन लेगा? आप सब अपने करियर को दिल से लगा के रखते हैं, पर यहाँ तक पहुंचे कैसे? कौन था वो जिसने ये राह दिखाई? कभी भेजे में आया क्या? जिस बाप ने तुम्हें इस लायक बनाया कि दुनिया में सर उठा के जी सको, उसके दुनिया छोड़ने पे क्या किया? कुछ नहीं। तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हें लाड़ प्यार से रखते हैं, तो आगे चलो निकलो। ये तो ऑफर लेटर है सॉफ्टवेयर कंपनी का। बेटा मैंने बड़ी मुश्किल से ब्रह्मा जी ब्रदर्स कंपनी से निकलवाया है, अब तुम डायरेक्ट अमेरिका। लेकिन डैडू मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बेटा बस तुम उसे प्यार करते रहना, जगह बदली तो क्या हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू हमेशा उस गंजे के अंडर काम करे। आपको तो पता है मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ, अगर कहीं मैं घिर गया तो। अरे तेरा बाप है ना तुझे संभालने के लिए, चल करना नहीं चल। मास्टर इधर आ। हाँ डैडी। मैंने बड़ी मुश्किल से ये फार्म बेचा और आप कह रहे हैं कि तूने पैसे लौटा दिए और कह रहे हैं कि हम ये नहीं बेचना चाहते। आप ये फार्म मत बेचिए डैडी, मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना। अरे बेटा क्या कह रहा है, तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा, जब भी याद आ जाएगी चले आना।
अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए और मैं तुझे फोन करूँ तो भाग के आ नहीं जाएगा क्या? जरा सोच तो सही, तू जिंदगी भर ऐसे ट्यूशन में पढ़ाएगा और ये लोग ऐसे गरीबी में जिएंगे? जा तरक्की कर, ये अच्छा रिश्ता है बेटी। कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, पर मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, कभी नहीं डैडी। मरने से पहले माँ को वचन दिया था कि मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूंगी। तुम्हारी माँ से मैंने वादा किया था कि तुम्हारी शादी किसी नेक आदमी से करूँ, इसीलिए तो इसे ढूंढा है। देखो बेटा, ये नेक आदमी है, मैं मेरी बेटी से मिलना चाहूँ तो ये रोकेगा थोड़ी। अगर इन्होंने मुझे नहीं भी भेजा तो मैं खुद ही आ जाऊंगी। आ बेटा, आओ। ससुर जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे डर कैसा, तुम्हारी शादी इससे इसलिए करवाई है कि तुम अच्छे से बोल सकती हो। सुनिए दूल्हा भाई, आपने अपनी सारी औलादों को दूर भेज दिया है, अब इन्हें भी भेज रहे हैं, इन्हें तो साथ में रख लीजिए। मैं मेरे स्वार्थ के लिए इनके विकास को नहीं रोक सकता हूँ। सिर्फ अपने हाथ का अंगूठा और बाकी की उंगलियां महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे छोटी उंगली भी महत्वपूर्ण होती है। इसे रास्ता दिखाना भी मेरी जिम्मेदारी है। जाओ बेटा। जिस बाप ने अपनी हर सांस तुम्हारे नाम की थी, उसी को नौकरी मिलने के बाद, घर बसाने के बाद, उस बाप को बेसहारा छोड़ दिया और कभी मुड़कर नहीं देखा। तुम सब नाम के इंसानों, हरकतें जानवरों वाली है। तुम सब की परवरिश में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और तुम सब भी अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हो, पर कभी ये सोचा है कि उनके सामने आप लोग किस तरह की बेटी बेटियां बने? आपको देख के तो यही सीखने मिलता है कि अगर टाइम है तो इज्जत दो, वरना मत दो। पैदा किया है, कोई एहसान थोड़ी किया, हमारी भी जिंदगी है, खुद की जिंदगी की पड़ी है। और जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए गवा दी, उसके बारे में नहीं सोचते तो अपने बच्चों से क्यों उम्मीद रखते हैं कि हम आपके बारे में सोचें? हम भी कहेंगे, जाने वाला तो जा रहा है, उसके पीछे अपने काम क्यों अटकाएं? हमारे सामने तो हमारी जिंदगी पड़ी है ना। और जिसकी जिंदगी खत्म होने के कगार पे है, वो अपनी आखिरी सांसें गिनते 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 मर जाएगा। तब हमें मत कोसना, अपने कर्मों को याद करना, क्योंकि आपने जो किया वही आपको वापस मिला। यह कुदरत का इंसाफ है। आज जो बेटा है ना, वो एक ना एक दिन बाप जरूर बनेगा और एक दिन दादा भी। इसलिए आप और मैं इन चीजों से नहीं बच सकते। तभी तो कहते हैं कि दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है। बहुत पुरानी कहावत है कि एक वक्त पे बच्चा और बूढ़ा एक जैसे हो जाते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं रहता। सबको जानते हुए भी आप लोग ऐसे अनजान कैसे बन सकते हैं? जिस तरह आप अपने बच्चों की बेजा जिद को पूरी करते हैं, उसी तरह बूढ़े माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा कर दिया तो क्या जाएगा? आपने सिर्फ अपना बाप ही नहीं, बेटा भी खो दिया। क्या हुआ? अरे मैं तो इतना ज्यादा गिर चुका हूं कि मैं माफी भी नहीं मांग सकता। कैसे दिखाऊं अपनी शक्ल उनको? मैं सिर्फ आपकी सोच को कुरेदना चाहता था, तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं था। साई, हमें चप्पल से मार, तभी हमें अकल आएगी। तो जल्दी निकालो, दद्दू खुद मारने आ रहे हैं। क्या कहा? क्या कहा? फिर से बोल। दद्दू, मुझे अकेला छोड़ने वाले हो, पर देखो मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, क्योंकि आपने कहा था कि अगर मैं आपके पास ही रहा तो आप आखिरी वक्त में भी मुस्कुराएंगे। जब आपका पोता हिम्मत दिखा सकता है तो दद्दू क्यों नहीं हिम्मत दिखा सकते? देखो दद्दू, आपका यह रुमाल भी मैंने जान से ज्यादा संभाला है, अब तो प्यार का सबूत भी दे दिया, उठ जाइए। देना चाहिए, उन्हें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं उनके साथ बहुत सारा समय बिताता हूँ। बाय मैम।
डैडी मेरी छड़ी कहाँ रह गई? हम है ना, चलिए डैडू। कम ऑन डैड। चलिए डैडी, हम आपके साथ हैं डैडी। माँ बाप ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी सिर्फ दुआएं ही देते हैं। अगर हम भी अपने माँ बाप को वही प्यार और दुलार दें जो उन्होंने हमें बचपन में दिया था, तो उनकी जिंदगी का हर दिन किसी दिवाली से कम नहीं होगा। याद रखिए, एक दिन आप भी माँ बाप बनेंगे।